हाँ जी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे सब लोग होप्स आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूँ तो चलिए आज हम रिवाइज करने वाले एक टॉपिक जिसका नाम है कैपिटल गेट और ये टॉपिक आपका कवर करने वाला है अप्रोक्स टेन मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन तो सबसे पहली सेक्शन होती है फोर्टी फाइव वन दट इज चार्जिंग सेक्शन चार्जिंग सेक्शन है कि so, यहां से तीन चीजें समझ में आती है कि एक तो उस में जिस में आपकी ट्रांसफर हो जाएगी दूसरा कैपिटल असेट होनी चाहिए और तीसरा उस कैपिटल असेट का ट्रांसफर होना चाहिए लेकिन क्वेश्चन कैपिटल असेट बोलते किसको है तो कैपिटल असेट किसको बोलते हैं उसको डिफाइन कर रखा है सेक्शन टू क्लॉज नंबर फोर्टीन

स्टॉक इन ट्रेड का मतलब रॉ मटेरियल है डब्ब्यूआईपी है या फिनिश गुड्स है वो तुम्हारी कैपिटल असेट नहीं है क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड को बेचोगे तो ऑलरेडी आपका आपका जो टैक्स है वो पीजीबीपी हेड में लग जाएगा तो वो कैपिटल असेट नहीं है उस पर कैपिटल गेन नहीं आएगा दूसरा मूवेबल पर्सनल असेट मूवेबल पर्सनल असेट क्या होता है कि असेसी या उसके फैमिली मेंबर जो है जो पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हैं एंड अगर वो असेट मूवेबल है तो मूवेबल पर्सनल कैपिटल नहीं उस पे कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा जैसे आपका मोबाइल फोन है फर्नीचर है आपके घर पर जो भी सामान यूज होता है वो कैपिटल असेट नहीं है उसको बेचोगे तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा लेकिन गाइज इसके टोटल छह एक्सेप्शन है एक तो ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी वर्क ऑफ आर्ट ये देखो ये देखने में पर्सनल असेट लग रहा है मूवेबल भी है लेकिन गाइस ये कैपिटल असेट माना जाएगा और उस पर कैपिटल गेन लग जाएगा तीसरा रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया है वो कैपिटल असेट नहीं है उस पर कैपिटल गेन नहीं लगता लेकिन क्वेश्चन ही आता है रूरल एग्रीकल्चर लैंड किसको बोलेंगे तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज अ लैंड विच इज सिचुएटेड इन रूरल एरिया बट क्वेश्चन इज दैट डू यू मीन बाय रूरल एरिया रूरल एरिया इज एरिया एच इज नॉट अर्बन एरिया बट वॉट डू यू मीन बाय अर्बन एरिया अर्बन एरिया इज एरिया इज नॉट अ रूरल एरिया क्या अपन ऐसा बोलेंगे आंसर इज नो तो देखो रूरल एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया इज नॉट अ कैपिटल असैट रूरल एग्रीकल्चर लैंड मीन ऐसी एग्रीकल्चर लैंड जो रूरल एरिया में सिचुएटेड है लेकिन रूरल एरिया किसको बोलेंगे रूरल एरिया का मतलब ऐसा एरिया जो अर्बन एरिया नहीं है लेकिन अर्बन एरिया किसको बोलेंगे उसको डिफाइन कर रखा है तो अर्बन एरिया किसको बोलते हैं बताए किसी भी म्यूनिसिपलिटी का एरिया जहां का पॉपुलेशन लास्ट सेंसस के हिसाब से मिस अपना प्रीवियस ईयर को छोड़ के जो पहला उससे पहले सेंसस हुआ था उसके हिसाब से पॉपुलेशन टेन थाउजेंड या उससे ज्यादा है तो उस एरिया को बोलेंगे अर्बन एरिया मिस किसी भी म्युनिसिपलिटी ग्राम पंचायत कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया जहां का पॉपुलेशन है वो टेन और मोर है एज पर द लास्ट सेंसस वो अर्बन एरिया है लेकिन वहां का पॉपुलेशन टेन थाउजेंड से ज्यादा है अप टू वन लैक है तो बाहर का टू किलोमीटर्स का एरिया भी आपका अर्बन एरिया हो जाएगा Guys, gold bond 1999 and under gold 2015, ये दो बॉन्ड और सर्टिफिकेट ऐसे है जिसपे कैपिटल गेन नहीं लगता यह कैपिटल असेट नहीं है इस पर कैपिटल गेन नहीं आएगा एक और चीज समझना इसपे जो इंटरेस्ट मिलता है ना वो इंटर इंटरेस्ट भी आपका एक्ज होता है अंडर सेक्शन टेन फिफ्टीन और वो इंटरेस्ट है उस पर भी कोई भी टैक्स नहीं लगता अब यहां पर दो तीन चीजें जो आपको समझनी पड़ेगी पहली चीज तो क्वेश्चन ही आता है कि सर एक बात बताइए जो घर में यूटेंसिल यूज होते हैं अगर वो सिल्वर यूटेंसिल है तो क्या कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा आंसर इज नो देर इज अ कोर्ट जजमेंट और कोर्ट जजमेंट ये बोलता है कि सिल्वर यूटेंसिल भी आपकी मूवेबल पर्सनल असेट है और उस पर कैपिटल गेन नहीं लगता लेकिन अगर वो गोल्ड यूटेंसिल है तो उस पर कैपिटल गेन लगेगा गोल्ड यूटेंसिल अगर आप बेचते हो क्योंकि घरों में गोल्ड यूटेंसिल यूज नहीं होते हैं यहां तो आप प्लानिंग कर रहे हो तो गोल्ड यूटेंसिल बेचते हो तो उस पर्टिकुलर केस में आपको कैपिटल गेन लगेगा एक और चीज समझना गाइस जो यूलिप होता है ना यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी और ऐसा यूलिप जिस पे 10 10 डी का एग्जemption नहीं मिलता अब आप बोलोगे ये 10 10 डी क्या होता है तो 10 10 डी हम आगे जाके समझेंगे बट मैं बता दूं ऐसा कोई भी यूलिप जिस पे

उसके बाद में आपका अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसका किसी को पजेशन ट्रांसफर कर देते हो इन द पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रेक्ट मीन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है एंड को राइट ट्रांसफर कर दिया शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर कर दिया तो वो भी तुम्हारी ट्रांसफर की डेफिनेशन में आ जाएगा एंड रिडम्शन ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड्स है ट्रांसफर की डेफिनेशन में आएगा सेल एक्सचेंज रैलिशमेंट एक्सटिंग कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असट इन टू स्टॉक

इन द रिक्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया मीन ऐसी कोई भी सिक्योरिटी जो कि लिस्टेड है इन द रिक्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इंडिया में जो रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है बट अदर देन यूनिट यूनिट को आप छोड़ दीजिए तो कोई भी सिक्योरिटी मीन शेयर वगैरह है इन द रिकनाइज स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया अदर देन यूनिट यूनिट को छोड़ के तो उसके केस में बेटा वन ईयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना पड़ेगा उसके साथ साथ में कोई भी यूटीआई का यूनिट है या म्यूचुअल फंड का इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट है या फिर जीरो कूपन बॉन्ड्स है है तो ये चार असेट ऐसी है जिसके केस में वन ईयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाएगा अगर वन ईयर से ज्यादा होल्ड की तो लॉन्ग टर्म और अगर वन ईयर या उससे कम होल्ड की तो उस पर्टिकुलर केस में शॉर्ट टर्म तो क्या बोला देखिए सबसे पहला एनी सिक्योरिटी अदर देन यूनिट लिस्टेड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया यूटीआई का यूनिट्स है या फिर म्यूचुअल फंड का इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट है या जीरो कूपन बॉन्ड्स है इनके केस में अगर आपने होल्ड किया मोर देन वन ईयर तो लॉन्ग टर्म अदरवाइज शॉर्ट टर्म अब एक और चीज समझना अगर कोई भी ऐसा शेयर है जो लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया नहीं है तो इसका मतलब मैं बोलूंगा कि अनलिस्टेड शेयर है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके केस में टू ईयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाता है और उसके अलावा कोई भी असेट बच जाती है जैसे गोल्ड वगैरह है तो उसके केस में आपको थ्री ईयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग देखा जाता है मिस असेट अगर आपने इस पर्टिकुलर पीरियड से ज्यादा होल्ड की तो लॉन्ग टर्म अदरवाइज आपका क्या हो जाएगा शॉर्ट टर्म अब क्वेश्चन ये आता है सर कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए बड़ा सिंपल सा रूल है सेक्शन 48 है सेक्शन 48 ये बोलती है आप एक काम करिए सबसे पहले ले लीजिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो जो भी तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आता है उसमें से ट्रांसफर एक्सपेंसेस जो आपने ट्रांसफर के टाइम पे कोई खर्चा किया है वो आप लेस कर दीजिए माइनस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को आप लेस कर दीजिए जो बचेगा वो कैपिटल गेन है लेकिन गाइस एक चीज ध्यान रखना अगर कोई भी ऐसा हाउस प्रॉपर्टी है और हाउस प्रॉपर्टी का आपने इंटरेस्ट का डिडक्शन ऑलरेडी ट्वेंटी फोर बी हाउस प्रॉपर्टी हेड में ले रखा है या अंडर चैप्टर सिक्स ए में इंटरेस्ट का डिडक्शन अगर आपने ले रखा है तो वो जो इंटरेस्ट है वो तुम्हारा ध्यान रखना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ जैसे बहुत बार क्या होता है अपन घर खरीदते हैं तो उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं बहुत बार प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट होता है तो वो अपन क्या करेंगे अपन तो बोलेंगे उसको कैपिटलाइज कर देते हैं और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जोड़ देंगे बट नहीं बाबू अगर उसका डिडक्शन आपको 24 बी में या अंडर चैप्टर सिक्स में कहीं मिला है तो वो इंटरेस्ट को फिर आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में नहीं लेना है ऐसा अमेंडमेंट हुआ है इसी साल से अब एक और चीज समझना ये तो बात होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के कैलकुलेशन की बट ध्यान रखना अगर तुम्हारा कोई कैपिटल असेट है वो लॉन्ग टर्म है तो कैपिटल असेट लॉन्ग टर्म है ना तो तो जो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है इन दोनों को आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा अगर कैपिटल लॉन्ग टर्म है तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन दोनों को इंडेक्स करना पड़ेगा ऐसा आपको सेकंड प्रोवाइजर टू सेक्शन 48 बोलता है लेकिन इंडेक्स कैसे करेंगे तो देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स करने के लिए आप एक काम करिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो ले लीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर मीस जिस ईयर में ट्रांसफर किया उस ईयर का इंडेक्स और डिवाइड कर दीजिए इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच दैट असेट वर एक्वायर्ड बाय असेसी मिस परचेज वाले ईयर का इंडेक्स आप डिवाइड कर दीजिए आपको मिल जाएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे करना है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड इंप्रूवमेंट करिए आपको इंडेक्स इंप्रूवमेंट मिल जाएगा प्रीवियस ईयर ट्वेंटी फोर क्या सर हमको पूरा इंडेक्स नंबर याद रखना है आंसर इज नो आपको दो ही इंडेक्स नंबर याद रखना है एक तो वन के लिए आपका 100 था एंड ट्वेंटी के लिए आपका 348 है वो आपका इंडेक्स नंबर है अब एक चीज समझना बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपने कोई प्लॉट पहले खरीदा था और उस पर फिर आपने बिल्डिंग बनाई और अब आपने क्या किया वो प्लॉट और बिल्डिंग एक साथ में बेच दिया अब एक बात समझना प्लॉट खरीदा था वो टू इयर्स से पहले खरीदा था तो वो लॉन्ग टर्म है और बिल्डिंग आपने वो टू तो वो करेंगे को दोनों को अलग अलग असेट मानेंगे और अलग अलग कॉलम में आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे जो आपका प्लॉट रहेगा जो लैंड रहेगा उस पर आपका लॉन्ग टर्म रहेगा उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा और बिल्डिंग जो रहेगा उस पर शॉर्ट टर्म रहेगा उस पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा एक और चीज समझना यहां पे जो इंडेक्स नंबर है वो इंडेक्स नंबर आपका 142001 से है लेकिन कोई असेट अगर 142001 से पहले खरीदी हुई है तो तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर कोई असेट है वो 142001 से पहले खरीदा हुआ है ना तो उसके केस में जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 142001 व्हिच एवर इज हायर है वो आपको कॉस्ट लेना है और फिर आपको इंडेक्सेशन 12 से करना है तो एनी एक्वायर्ड बिफोर वन फोर टू थाउजेंड वन तो आपको क्या करना है कि जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी और एफ एम वी एज ऑन फोर टू थाउजेंड वन विच एवर इज हायर है वो वाला आपको लेना है और उस पर इंडेक्सेशन करना है से फिर क्या करोगे इंडेक्सेशन लेकिन यहां पर एक ट्रिकी पॉइंट भी आता है कि एक चीज ध्यान रखना जो एफ एम वी एज ऑन वन फोर टू थाउजेंड वन लेते हो ना वो एफ एम वी एज ऑन वन फोर टू थाउजेंड वन कभी भी एस डी वी एज ऑन वन फोर टू थाउजेंड वन से ज्यादा नहीं हो सकता अगर एस डी वी एज ऑन वन फोर टू थाउजेंड वन अवेलेबल है

एक बात बताऊं नॉर्मली क्या होता है कैपिटल गेन आप कैलकुलेट करते हो वो इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करते हो ठीक है नॉर्मली अपन इंडियन में कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जिसमें आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा वो फॉरिन करेंसी में करना पड़ेगा और जो भी कैपिटल गेन आएगा उसको वापस से आप रिकनवर्ट करोगे इंडियन करेंसी में ये कौन से केसेस में जब तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होती है सबसे पहली कंडीशन कि जो असएससी है वो अससी आपका नॉन रेजिडेंट है एस है वो नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी एस है दूसरा वो एस ने इंडियन कंपनी के शेयर या डिबेंचर खरीदे थे

करेंसी में दे रखा होगा उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी में बट फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कैसे करेंगे पता है बाय अप्लाइंग एवरेज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर अब आप बोलोगे एवरेज रेट का मतलब क्या होता है एवरेज रेट मींस टीटीबीआर प्लस टीटीएसआर डिवाइड बाय टू कर दीजिए टीटीबीआर का मतलब होता है टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट टीटीएसआर मींस टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट टीटीबीआर मींस ऐसी रेट जिस बैंक है वो डॉलर को बाय करती है टीटीएसआर वैसी रेट जिस बैंक है वो डॉलर को सेल करती है तो टीटीबीआर प्लस टीटीएसआर डिवाइड बाय 2 कर दीजिए वो आपको एवरेज रेट मिल जाएगी तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो रहेगा वो एवरेज रेट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर से आप उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर लीजिए ट्रांसफर एक्सपेंसेस है expenses, उसको भी एवरेज रेट एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर से आप कन्वर्ट कर लीजिए इनटू फॉरेन करेंसी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगा उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू फॉरेन करेंसी बाय اپ्लाइंग एवरेज रेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एक्विजिशन की डेट की एवरेज रेट रहेगी उससे आप कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद में जो कैपिटल गेन आएगा वो कैपिटल गेन आपको वापस इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करना है कन्वर्ट करना है बाय टीटीबीआर 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 ओनली ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर जो कम वाला रेट रहता है उससे फिर उस कैपिटल गेन को वापस आप इंडियन करेंसी में ले आइए और इंडियन करेंसी में लाने के बाद जो कैपिटल गेन आता है उस पर आपको टैक्स पे करना है एक और चीज समझना यहां पर बेनिफिट नॉन रेजिडेंट को दिया है तो एक बेनिफिट लिया भी है कि यहां पर आपको इंडेक्स इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा मीन वो शेयर और डिबेंचर भले आपका लॉन्ग टर्म है तो भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा इसका मतलब जो सेकंड प्रोवाइजर टू सेक्शन 48 है वो एप्लीकेबल नहीं होगा अब एक चीज समझना थर्ड प्रोवाइजर टू सेक्शन 48 ये बोलता है के बेटा अगर सेक्शन वन वन टू ए लगता है वन वन टू अपन पढ़ेंगे लास्ट में रिवाइज करेंगे वन वन टू ए तो अगर सेक्शन वन, वन वन टू लगता है ना वन वन टू होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और उसमें एस टी टी पे किया है सेल पे परचेज पे वगैरह दैट इज वन वन टू तो अगर सेक्शन वन वन टू ए लगता है उसमें कैपिटल गेन टेन परसेंट से टैक्सेबल होता है इन एक्सेस ऑफ द वन लैक अगर वन वन टू ए लगता है तो ध्यान रखना आपका फर्स्ट और सेकंड प्रोवाइजो का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 48 का बेनिफिट नहीं मिलेगा इसका मतलब वो नॉन रेजिडेंट के केस में कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है एंड बेटा इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी आपको नहीं मिलता तो हमेशा ध्यान रखना अगर वन वन टू ए लगता है तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता उसके बाद एक सेक्शन आती है सेक्शन 48 का ही फोर्थ प्रोवाइज़ो। ये फोर्थ प्रोवाइज़ो क्या बोलता है कि बढ़ती नहीं है. Like only, तो उसकी वैल्यू बढ़ती नहीं है तो उसके इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा बट गाइज यहां पर दो एक्सेप्शन है एक तो आपका कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स और एक दूसरा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई ये दो बॉन्ड ऐसे जिसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा अदर देन दिस टू बॉन्ड्स किसी भी डिबेंचर एंड बॉन्ड्स केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा एक और चीज समझना सेक्शन फोर्टी सेवन में जाके मैं बताऊंगा कि जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई है ना वो अगर इंडिविजुअल होल्ड करता है और अगर वो रिडमशन तक होल्ड कर लेता है redemption तक होल्ड करता है एट ईयर तक तो उस पर कैपिटल गेन भी नहीं लगता

अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट ने क्या किया रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इंडियन कंपनी का है वो परचेज किया था और अगर उसका मैच्योरिटी हो रहा है रिडम्शन हो रहा है मैच्योरिटी हो रहा है और मैच्योरिटी के टाइम पे अगर रूपी एप्रीशिएशन हो जाता है मीन फॉरेन करेंसी की वैल्यू कम हो गई और इंडिया का रूपी एप्रिशिएट हो गया तो रुपी एप्रिसिएशन हो जाता है और उसकी वजह से अगर उसको कोई गेन आता है तो उस गेन पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा इसका मतलब जो गेन आ रहा है वो आपके फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में भी नहीं आएगा इन सिंपल वर्ड में बताऊं ये पॉइंट कहना क्या चाहता है कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट है जिसने किसी इंडियन कंपनी का रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है वो होल्ड किया हुआ है और अगर उसका होता होता है वो पे होता है वो पे एक चीज ध्यान रखना यहां पे हो रहा है वर्ड रिडम्शन यूज किया हुआ है redemption से पहले सेल किया तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर रिडम्शन हो रहा है रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ऑफ द इंडियन कंपनी का और रिडम्शन के टाइम पे अगर इंडियन रूपी एप्रिशिएट हो गया क्योंकि कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट करेंगे और इंडियन रुपीज है वो एप्रिशिएट है है की वजह से अगर फुल वैल्यू ऑफ ज्यादा आता है, आता गेन तो उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा इसका मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में वो कंसिडर नहीं करेंगे उसके बाद में नेक्स्ट आता है सिक्स प्रोवाइजोर टू सेक्शन फोर्टी जो कि अपन सेक्शन फोर्टी के साथ डिस्कस करेंगे सेवेंथ प्रोवाइज टू सेक्शन फोर्टी ये बोलता है कि एक बात समझना बेटा ध्यान रखना सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है ना नॉर्मली हम जब सिक्योर जब सिक्योरिटी में ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक एसटीटी लगता है जिसको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोलता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कैपिटल गेन हेड में अलाउ नहीं होता इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप सेल के टाइम पे एस पे करते हो तो वो ट्रांसफर एक्सपेंसेस में नहीं आएगा और अगर आप परचेज के टाइम पे एस पे करते हो तो वो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में नहीं जुड़ेगा तो मैंने क्या बोला एस जो है वो आपको अलाउ नहीं होता अगर आपने सेल के टाइम पे एस टी पे किया तो वो तुम्हारे ट्रांसफर एक्सपेंसेस में नहीं आएगा और परचेस के टाइम पे आपने एस टी पे किया तो वो तुम्हारे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में नहीं आएगा लेकिन ध्यान रखना अगर सिक्योरिटी आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है तो एस टी पीजीबीपी हेड में अलाउ होता है ड्यू टू सेक्शन थर्टी सिक्स वहां पीजीबीपी हेड में ड्यू टू सेक्शन थर्टी अलाउ होता है लेकिन बेटा कैपिटल गेन हेड में आपको अलाउ नहीं होता उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आती है सेक्शन फिफ्टी दैट इज रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कुछ एसेट ऐसी होती है सर उसकी

या फिर आपका राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस प्रोसेस एनी आर्टिकल एंड थिंग्स है एंड पेटेंट कॉपीराइट है या फिर राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन है या टेनेंसी राइट लूम आर्ट्स रूट परमिट और एनी अदर राइट है तो इसका मतलब अब आपको यह ध्यान रखना है कोई भी इंटेंजिबल अट है कोई भी इंटेंजिबल अट है तो कोई भी इंटेंजिबल अट या, या कोई भी ऐसा राइट है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेने का तो ध्यान रखना अगर आपका वो सेल्फ जनरेटेड है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको निल लेना है बट अगर आपने परचेस कर रखा है तो परचेस प्राइस है वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी वापस बोल रहा हूं क्या बोला मैंने देखिए अगर कोई भी इंटेंजिबल आपकी सेल्फ जनरेटेड है आपने खुद ने जनरेट कर रखी है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको निल लेनी है बट अगर आपने परचेस कर रखा है तो परचेस प्राइस है वो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा एक और चीज ध्यान रखना इंटेंजिबल के इनटेंजिबल के केस में वन फोर टू थाउजेंड वन का एफ एम वी का बेनिफिट नहीं मिलेगा कैसे पता चलेगा आपकी एफ एम आपकी गुडविल की एफ एम वी एस ऑन वन फोर टू थाउजेंड वन कितना था, पता ही नहीं चलेगा ना तो एफ एम वी एस ऑन वन फोर टू थाउजेंड वन का है, वो आपको नहीं मिलेगा करके ठीक है चलिए उसके बाद जो नोट दे रखे वो आप अभी नहीं पढ़ देगा जब पीजीबीपी के साथ में कवर हो जाएंगे अब एक और चीज समझना क्वेश्चन ही आता है बोनस शेयर एंड सिक्योरिटी की कॉस्ट क्या लेंगे तो बोनस शेयर की कॉस्ट तो निल होती है तो बोनस शेयर की कॉस्ट हमेशा निल लेने का लेकिन एक चीज ध्यान रखना बोनस शेयर अगर वन फोर टू थाउजेंड वन से पहले अलॉट हुआ था तो क्या होता है ना जब कोई से पहले वाली है तो उसके केस में तो हमको एफ एमवी एस ऑन फोर टू थाउजेंड वन का बेनिफिट मिलता है तो जो एफ एमबी एस ऑन फोर टू थाउजेंड वन है ना वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी तो आपको ध्या, क्या ध्यान रखना है बोनस शेयर अगर वन फोर टू थाउजेंड वन से पहले अलॉट हुआ था तो एफ एम बी एज ऑन वन फोर टू थाउजेंड वन वो कॉस्ट बन जाएगी और बोनस शेयर अगर वन फोर टू थाउजेंड वन के बाद में अलॉट हुआ है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको मिल लेना है एक और चीज ध्यान रखना यहां पे अगर मान लो कोई भी ऐसा बोनस शेयर है जिसपे वन वन टू ए लग रहा है सेल के टाइम पे वन वन टू ए लग रहा है एंड वो बोनस शेयर आपको थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड एटीन या उससे पहले मिला हुआ है बोनस शेयर है वो थर्टी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड एटीन से पहले मिला हुआ है एंड अभी आप उसको बेच रहे हो और उस पर वन वन टू ए लग रहा है तो ध्यान रखना उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आपको एज ऑन जन है वो लेना है ये क्यों ले रहे हैं इसका लॉजिक आपको 1 -1 में समझ में आ जाएगा उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है राइट शेयर राइट शेयर किसको बोलते हैं कि अगर आप किसी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो और वो कंपनी आपको क्या करती है राइट right ऑफर करती है राइट right ऑफर करने का मतलब क्या होता है कि कम रेट पर आपको शेयर ऑफर करती है दैट इज कॉल्ड राइट शेयर तो राइट right शेयर के में शेयर होल्डर खुद ही वो राइट शेयर ले लेता है तो तो जितना कंपनी को पे किया वो आपकी कॉस्ट ऑफ आप है। जैसे मान लो एक कंपनी है मैग्नम करके उन्होंने मुझे राइट शेयर दिया मैंने उस कंपनी से राइट शेयर खुद ही ले लिया तो जितना बट मान लो राइट शेयर मुझे नहीं चाहिए तो मैंने क्या किया मेरा राइट किसी को रिनाउंस कर दिया मैंने मेरा राइट किसी को दे दिया तो बाबू आप अगर किसी का किसी को अपना राइट दे देते हो ना वो भी आपका रेलिंक्शमेंट ऑफ कैपिटल असेट माना जाएगा और इसमें बेटा कैपिटल गेन लगेगा मान लो किसी कंपनी ने मुझे 500 राइट ऑफर किए थे मेरे को नहीं चाहिए मैंने वो राइट है वो मेरे फ्रेंड लक्ष्मण को दे दिए तो मैंने मेरे फ्रेंड लक्ष्मण को 500 हंड्रेड राइट दे दिया और टेन रुपीज उससे मैंने ले लिया तो 500 हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई टेन ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 5000 हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन राइट मुझे मिला था उसकी कोई कॉस्ट लगी नहीं थी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिल रहेगा और जो भी बचेगा वो सीधा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा वाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्योंकि एक चीज समझना कि बेटा जब मुझे कंपनी ने राइट right ऑफर किया था और मैंने राइट right किसी के फेवर में रेनाउंस किया इसके बीच में जो पीरियड है ना वो कभी भी आपका इयर्स से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि राइट right ऑफर करना और आपने वो राइट right किसी को बेच दिया राइट right रेनाउंस किया उसके बीच में पीरियड है वो कभी भी थ्री इस से ज्यादा नहीं होगा तो यहां पर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा अब एक चीज समझना जो लक्ष्मण है उसके लिए फिर शेयर का कॉस्ट क्या आएगा तो लक्ष्मण ने जितना कंपनी को पे किया और जितना लक्ष्मण ने बीबी सर को पे किया

या फिर एनी अदर इंटेंजिबल अट ऑफ द बिजनेस मीन बिजनेस का गुडविल या बिजनेस का कोई इंटेंजिबल है या पेटेंट है कॉपीराइट है या राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन और एनी अदर राइट है उसकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमेशा निल होती है। बाकी के केस में वन फोर टू थाउजेंड वन से पहले इंप्रूवमेंट करा रखा है तो इग्नोर करने का उसके बाद में इंप्रूवमेंट करा रखा है तो उसको कंसिडर कर लेने का एक और चीज समझना जब भी आप शेयर एंड सिक्योरिटी की बात करते हो तो वहां पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेने का पीरियड ऑफ होल्डिंग हमेशा डेट ऑफ अलॉटमेंट से लेना मीस जिस दिन आपको शेयर और सिक्योरिटी अलॉट हो

मैंने क्या बोला कि इन केस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड योर ट्रांसफर इज टू प्लेस इन द ईयर इन विच योर कैपिटल असेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड बट टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन द ईयर इन विच दैट स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड

कन्वर्जन पे ट्रांसफर हो गया तो कन्वर्जन की डेट तक ही पीरियड ऑफ होल्डिंग आएगा कन्वर्जन की डेट तक ही आपका इंडेक्सेशन आएगा अब पीजीपीपी का इनकम कैसे निकालेंगे तो सेल प्राइस ऑफ द स्टॉक और माइनस जो कैपिटल असेट का यहां पे एफएमवी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन था ना वो ही यहां पे आ जाके आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा तो जो बचेगा वो तुम्हारा पीजीबीपी का इनकम

तो कैपिटल गेन भी पार्टली टैक्सेबल होगा या पूरा टैक्सेबल होगा राइट आंसर इस पार्टली टैक्सेबल होगा तो अगर आपका पार्ट ऑफ द स्टॉक बिका तो कैपिटल गेन है वो भी आपका पार्टली टैक्सेबल होगा एक और चीज समझना

एंड गाइस जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वही फिर कैपिटल अट के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग कैपिटल अट के लिए कहां से लोगे जिस दिन कन्वर्जन हुआ था वहीं से आपका कैपिटल असेट के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग चालू हो जाएगा यहां पे कैसा है ना कि जिस डेट को स्टॉक कैपिटल असेट में कन्वर्ट किया उस ईयर में पीजीबीपी में टैक्स लगेगा जिस ईयर में फ्यूचर में कैपिटल असेट बेचोगे उस ईयर में कैपिटल गेन लगेगा ऊपर वाले केस में क्या था इसके रिवर्स वाले केस में क्या था कैपिटल गेन पीजीबीपी दोनों एक ही साल में टैक्सेबल होता था जिस ईयर में स्टॉक बिकता था यहां ऐसा नहीं है यहां स्टॉक को कैपिटल असेट में कन्वर्ट किया उस ईयर में आपको टैक्स लगेगा पीजीबीपी में और आगे जाके जब कैपिटल असेट बेचोगे तो कैपिटल गेन लग जाएगा इन फ्यूचर यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कैसे निकालेंगे तो FMV के लिए अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो एसडीवी जो रहता है वही तुम्हारा कन्वर्जन की डेट का जो एसडीवी एस टाइम ड्यूटी वैल्यू वो एफ है अदर असेट के केस में क्या होता है ना अदर असेट के केस में वैल्यूएशन रूल्स है और वो वैल्यूएशन रूल्स के लिए हिसाब से जो ओपन मार्केट वैल्यू रहती है वो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू मानी जाती है चलिए अब अपन चलते हैं एक और एक्सेप्शन एक पे आपकी फोर्टी फाइव फाइव फोर्टी फाइव गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वाइड कर ली किसी भी लॉ में अगर वो कंपलसरी एक्वायर्ड हो गई तो जैसे ही compulsory acquisition हो जाता है, उस year में ट्रांसफर तो माना जाता है बट कैपिटल गेन ईयर में नहीं लगेगा कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में, में आपको कंपनसेशन मिलता है सेशन जिस ईयर में आपको रिसीव होता है उस ईयर में आपको कैपिटल गेन लगेगा अब एक चीज समझना कैपिटल गेन कैसे लगेगा तो सबसे पहले अगर आपको इनिशियल मिला तो इनिशियल कॉम्पनसेशन मिला वो आप ले लीजिए फुल वैल्यू ऑफ कंसडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो भी बचेगा वो कैपिटल गेन आपका आ जाएगा लेकिन ये कैपिटल गेन उस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में आपको ये इनिशियल कंपनसेशन रिसीव्ड होता है लेकिन एक चीज ध्यान रखना पीरियड ऑफ होल्डिंग एंड इंडेक्सेशन आप सिर्फ ट्रांसफर के ईयर तक का वो, वो, तो वो तुम्हारा ट्रांसफर का ईयर माना जाएगा और उस ईयर तक ही आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग और इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा बट कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में यह कंपनसेशन मिलता है लेकिन सर एक बात बताओ आगे जाके मान लो हमारा कंपनसेशन बढ़ गया तो आगे जाके कंपनेशन ज्यादा मिल गया तो आगे जाके कंपनसेशन इंक्रीज हो गया तो आगे जाके अगर आपका कंपनसेशन इंक्रीज हो जाता है जिसको बोला जाता है एनहांस कंपनेशन या आपका एडिशनल कंपनसेशन तो उस पर टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में वो एनहांस या एडिशनल कंपनसेशन आपको मिलता है तो जिस ईयर में आपको एनहांस कंपनसेशन या एडिशनल कंपनसेशन मिलता है उस टैक्स उस ईयर में लगेगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आ जाएगा एनहांस कंपनसेशन माइनस उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट इंप्रूवमेंट लेस नहीं करना उसमें से एक ही चीज लेस होगा दैट इज द लिटिगेशन चार्जेस अगर कोई तुम्हारे लिटिगेशन के चार्जेस हुए लिटिगेशन के खर्चे हुए एनहांस कंपनसेशन लेने के के लिए वो लिटिगेशन खर्चे लेस हो जाएंगे जो बचेगा वो कैपिटल गेन लेकिन कैसे पता चलेगा कि एनहांस कंपनसेशन पे लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म अरे वो डिपेंड करेगा कि जब आपको इनिशियल कंपनसेशन मिला था ओरिजिनल कंपनसेशन मिला था तब लॉन्ग टर्म था या शॉर्ट टर्म अगर ओरिजिनल कंपनसेशन मिला तब लॉन्ग टर्म था तो एनहांस कंपनसेशन पे भी लॉन्ग टर्म होगा ओरिजिनल कंपनसेशन पे शॉर्ट टर्म था तो यहां पे भी शॉर्ट टर्म होगा अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ कैपिटल कि जो कैपिटल एक्वायर्ड हुई थी वो लॉन्ग टर्म थी या शॉर्ट टर्म अगर वो लॉन्ग टर्म थी तो जो भी कैपिटल गेन होंगे वो लॉन्ग टर्म और अगर वो शॉर्ट टर्म थी तो जो भी कैपिटल गेन होंगे वो शॉर्ट टर्म अब एक सीबीडीटी का क्लेरिफिकेशन है कि तुम्हारा एक एक्ट हुआ करता है जिसका नाम है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 बहुत बड़ा नाम है ये जो एक्ट है ना इस एक्ट की एक सेक्शन है 96 और सेक्शन 96 में कुछ ऐसे कंपलसरी एक्विजिशन दे रखे हैं जिस पे टैक्स नहीं लगता वो उस एक्ट में तो दे रखा लेकिन इनकम टैक्स में कुछ भी अमेंडमेंट नहीं किया तो क्या उस उसमें इनकम टैक्स में टैक्स लगेगा या नहीं आंसर इज नो उस पर इनकम टैक्स में टैक्स नहीं लगेगा सो इन सिंपल वर्ड आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि सेक्शन ऑफ द राइट टू फेयर कंपनसेशन वाला जो एक्ट है उसकी सेक्शन में जो कंपलसरी एक्विजिशन दे रखे उस एक्ट में मना किया हुआ है टैक्स नहीं लगेगा तो डोंट वरी इनकम टैक्स में यहां पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अब एक और चीज समझना अगर आपको कंपनसेशन इंस्टॉलमेंट में मिल गया तो तो गाइस ध्यान रखना अगर आपको कंपनसेशन इंस्टॉलमेंट में मिल जाता है ना और तो इंस्टॉलमेंट में मिल गया तो क्या करने का ध्यान रखना अगर आपको इनिशियल कंपनसेशन जो है ओरिजिनल कंपनसेशन जो पहले गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है वो वाला वो अगर इंस्टॉलमेंट में मिला तो पूरा इनिशियल कंपनसेशन उस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस ईयर में आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलती है मिस पूरा इनिशियल कंपनसेशन ओरिजिनल कंपनसेशन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड लेकिन अगर एनहांस कंपनसेशन इंस्टॉलमेंट में मिला तो तो वो टैक्सेबल होगा एज एंड वेन रिसीव मीन जब जब मिलेगा तब तक टैक्सेबल हो जाएगा अब एक और चीज समझना बहुत बार अगर आपको ड्यू टू दीम ऑर्डर अगर कोर्ट ने क्या किया एक सॉरी एनहांस कंपनसेशन दे दिया अगर टेम्प्री ऑर्डर या जिसको इंट्रीम ऑर्डर बोलते हैं उस ऑर्डर की वजह से आपको कोई भी अगर एनहांस कंपनसेशन मिला है तो वो टैक्सेबल रिसीव्ड होगा उस ईयर में नहीं होगा दैट विल इन ईयर इन जिस yes. पॉइंट इंटरेस्ट तो भी देगी वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होता अदर सोर्सेज में और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उस ईयर में टैक्सेबल होता है जिस ईयर में वो इंटरेस्ट रिसीव होता है और ध्यान रखना वो इंटरेस्ट पर आपको फिफ्टी परसेंट का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा इसका मतलब जितना इंटरेस्ट आपको रिसिव होता है उसका फिफ्टी परसेंट है वो ही टैक्सेबल हो जाएगा आगे जाके अगर आपका कंपनसेशन कम हो जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में यहां पे रेक्टिफिकेशन कराया जाएगा और वापस से रिकम्पटेशन होगा आपका कैपिटल गेन का एक और चीज ध्यान रखना अगर कोई भी पर्सन है जिसकी डेथ हो जाती है और डेथ के बाद उसके घर वालों को अगर कोई कंपनसेशन मिलता है तो क्या उसके हाथ में टैक्सेबल होता है आंसर इज यस उनके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा एक और चीज समझना रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल ही नहीं होती लेकिन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल होती है आंसर इज यस अब यहां एक चीज समझना अगर कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है जो कंपल्सरी एक्वायर्ड हो जाती है तो कैपिटल गेन लगना चाहिए आंसर इज यस बट इसका एक एक्सेप्शन है सेक्शन टेन थर्टी सेवन टेन क्या बोलती है कि अगर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ है इंडिविजुअल या एचयूएफ है उनके पास में अर्बन एग्रीकल्चर लैंड था जो कि गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया और वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड एटलीस्ट टू इयर्स बिफोर तो तो द डेट ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन उसने या उसके पेरेंट्स ने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किया था तो उसको कंपलसरी एक्वायर किया और उसके बाद में कंपनसेशन मिला तो वो पूरा एक्समट है अंडर सेक्शन टेन वो पूरा एक्समट है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अब इसी को लेकर केस लॉ है दैट इज बाल कृष्णन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसमें क्या हुआ बालकृष्णन जो बंदा था ना

या तो एनिमी अटैक हो गया इंडिया पाकिस्तान हो गया ठीक है या फिर फायर एक्सप्लोजन हो गया ठीक है एक्ट ऑफ गॉड हो गया या फिर राइट हो या फिर तुम्हारा गए, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा अगर ऐसा होता है एक्ट ऑफ गॉड मीन अर्थ क्विक गया नेचुरल कैलमिलिटी अगर ऐसा होता है और आपकी कैपिटल असेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है या डैमेज हो जाती है एंड गाइज आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होता है तो कैपिटल गेन लगेगा इंश्योरेंस क्लेम रिसीव नहीं हुआ तो कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा बट अगर एक भी रुपया इंश्योरेंस क्लेम मिल गया तो आपको कैपिटल गेन लगेगा यहां पे ट्रांसफर उस ईयर में माना जाएगा जिस ईयर में आपका ये डिस्ट्रक्शन हुआ था लेकिन आपको कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करोगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में जो इंश्योरेंस क्लेम मिला वो ले लीजिए या फिर अगर मान लो इंश्योरेंस क्लेम में आपको कोई दूसरी असेट मिल गई तो जो असेट आ रही है ना उसका फेयर मार्केट वैल्यू यहां पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा माइनस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपको कैपिटल गेन मिल जाएगा करके ठीक है एक चीज और ध्यान रखना यहां पे कि यहां कैपिटल गेन तभी लगेगा जब आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होता है अगर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव नहीं हुआ तो यहां पर कैपिटल गेन नहीं आएगा चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते फोर्टी फाइव फाइव एंड सेक्शन फोर्टी फाइव फाइव क्या बोलती है कैपिटल गेन इन केस ऑफ द ज्वाइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट जेडीए ज्वाइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट क्या होता है कि कोई भी एसएससी है वो एसएससी क्या करता है बताए कोई भी एस है वो क्या करता है वो किसी बिल्डर के साथ में एक अग्रीमेंट में एंटर होता है और बिल्डर क्या करता है उस एस का जो प्रॉपर्टी है मीन लैंड है बिल्डिंग है लैंड एंड बिल्डिंग है वो ले लेता है और उसको प्रोजेक्ट में कुछ आगे जाके जब वो बिल्डिंग बनाता है उसमें से कुछ शेयर उस एसएससी को देता है कभी कभी पैसा भी दे सकता है साथ में तो दिस इज कॉल योर ज्वाइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट अब एक चीज समझना इमूवेबल प्रॉपर्टी में तो क्या होता है जिस ईयर में आप किसी को पोजिशन हैंड कर देते हो उस ईयर में ट्रांसफर माना जाता है लेकिन गाइस यहां पे एक एक्सेप्शन है, है. है, है बाकी को नहीं लगती तो सिर्फ इंडिविजुअल इंडिविजुअल कोई लैंड था बिल्डिंग था या बोथ था मिस लैंड बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग मिस उसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी था वो इमूवेबल प्रॉपर्टी उन्होंने क्या किया वो इमूवेबल प्रॉपर्टी उन्होंने क्या किया कि अगर किसी बिल्डर को दे दिया अंडर द जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट अगर ज्वाइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट हुआ और बिल्डर को दे दिया तो बेटा अभी पजेशन दिया ट्रांसफर अभी माना जाएगा बट कैपिटल गेन अभी नहीं लगेगा

मतलब सीसी जिस दिन इशू हुआ उस दिन उसका आपका स्टेम ड्यूटी वैल्यू कितना है जो आपको शेयर मिलने वाला है उस इंडिविजुअल एचुअप को जो शेयर मिलने वाला है उसका एस एज ऑन डेट ऑन विच सीसी इशूड कितना है प्लस अगर कुछ आपको कैश में पैसा मिल रहा है बैंक से पैसा मिल रहा है तो उसको भी आप ऐड कर दीजिए वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मतलब जो पुराना आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने बिल्डर को दिया था उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट वगैरह है वो लेस कर दीजिए जो बचेगा वो कैपिटल गेन माना जाएगा अब एक बात बताओ अगर आपको जो शेयर मिला था जो शेयर आपको मिला था वो आगे जाके आपने फ्लैट बेच दिया तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही रहेगी जो पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जा चुका है इसका मतलब जो SDV था एज ऑन डेट ऑफ इश्यू ऑफ सीसी जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में आया था वही एसडीवी फिर उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी यहां पे एक और चीज समझता ये जो सेक्शन मैंने डिस्कस कराई ये सेक्शन नहीं लगेगी अगर वो प्रोजेक्ट का सीसी आने से पहले पहले ही आप अपना शेयर बेच देते हो मीनस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया ही नहीं और उससे पहले पहले ही आपने अपना शेयर बेच दिया तो उस पर्टिकुलर केस में ये सेक्शन नहीं लगेगी उस केस में क्या होगा वैसा मैंने आपको रेगुलर बैच और फास्ट ट्रैक बैचेस में बता रखा है तो इसको आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसके बाद में मैंने एक टेबल दे रखी है जो चारों सेक्शन का यहाँ पर कंपेरिज कंपेरिजे कंपेरेटिव एनालिसिस कर रखा है कि ट्रांसफर का ईयर कौन सा माना जाएगा और टैक्स कौन से ईयर में लगेगा अब हम चालू करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट और यहां पे मुझे चाहिए आपका 100% परसेंट ध्यान और मैं यहां पे थोड़ा धीरे जाऊंगा करके ठीक है सो डोंट वरी अबाउट दैट चलिए चालू करते हैं सबसे पहले एक सेक्शन होती है फोर्टी फाइव सेक्शन थ्री फोर्टी फाइव सेक्शन थ्री क्या बोलती है कि अगर कोई भी पार्टनर है पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में असेट लेके जाता है एज अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन या अदरवाइज या तो जब कोई भी पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म में एंटर होता है एज अ पार्टनर तो वो क्या करता है एज अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन असेट को लेके जाता है और जब असेट को लेके जाता है तो पार्टनरशिप फर्म एंट्री क्या पास करती है असेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अब एक चीज समझना इस पर्टिकुलर केस में जो पार्टनर है वो पार्टनर का राइट right उस असेट से एक्सटिंग हो जाता है और पार्टनर के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा

गा ये थी सेक्शन फोर्टी फाइव थ्री लेकिन गाइस ये तो बड़ा सिंपल सा सेक्शन था अब मैं आपको आगे जो सिखाने वाला हूं नो no डाउट मैं इस वाले कॉन्सेप्ट अप्रोक्स 15 टू 20 मिनट्स है वो स्पेंड करने वाला हूं और आपको बहुत अच्छे से मैं सेक्शन नाइन बी और फोर्टी फाइव फोर पढ़ाने वाला हूं और ये नाइन बी और फोर्टी फाइव फोर है मैं बताऊं बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इन प्रैक्टिस है उनको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है लेकिन डोंट वरी आप यहां पे रिवाइज कर रहे हो तो मैं आपको समझाने वाला हूं बहुत अच्छे से नाइन बी और फोर्टी फाइव फोर करके चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नाइन बी की एक चीज समझना नाइन बी फोर्टी फाइव फोर

या तो कोई भी कैपिटल असेट दी या फिर स्टॉक इन ट्रेड दिया पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को कैपिटल असेट दी या स्टॉक इन ट्रेड दिया और कब दिया या तो डिसोल्यूशन के टाइम पे या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे तो उस पर्टिकुलर केस में पार्टनरशिप फर्म के हाथ में कैपिटल गेन आएगा या पीजीबीपी का इनकम आएगा या दोनों आएगा तो बड़ा सिंपल सा सेक्शन है दैट इज द नाइन बी नाइन बी क्या बोलता है पार्टनरशिप फर्म ने या तो डिसोल्यूशन के केस में या रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में डिसोल्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है डिसोल्यूशन का मतलब पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है रिकॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है या तो कोई पार्टनर partner किसी पार्टनरशिप फर्म में एंटर करता है या कोई पार्टनर एग्जिट करता है लेकिन एटलीस्ट पुराना एक पार्टनर है वो कंटिन्यू करता है ठीक है तो देखिए अगर कोई पार्टनर एंटर करता है या फिर कोई एग्जिट करता है एटलीस्ट वन पार्टनर पुराना कंटिन्यू करता है या फिर ऑल पार्टनर कंटिन्यू करते हैं लेकिन उनका पीएसआर चेंज हो जाता है दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन या जिसको हम लोग चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं तो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन होता है या डिसोल्यूशन होता है और उस टाइम पे पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को या तो कैपिटल असेट दिया या स्टॉक इन ट्रेड दिया या दोनों दिया तो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में कैपिटल गेन आएगा या पीजीबीपी का इनकम आएगा या दोनों आएगा लेकिन सर एक बात बताइए पार्टनरशिप फर्म जब कैपिटल गेन कैलकुलेट करेगी या पीजीबीपी कैलकुलेट करेगी तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे तो हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे एज ऑन द डेट ऑफ पार्टनर दैट और स्टॉक इन ट्रेड फ्रॉम द फर्म फर्म तो firm से जिस दिन पार्टनर को स्टॉक इन ट्रेड या कैपिटल होता है उस दिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है वो फेयर मार्केट वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा इन हैंड्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म के हाथ में कैपिटल गेन या पीजीबीपी का इनकम या दोनों आएगा यू गॉट माइ पॉइंट इतना ही है सेक्शन नाइन बी क्या बोलता है एक बार वापस कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है उस पार्टनरशिप फर्म का ध्यान रखना या तो डिसोल्यूशन होता है या रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है एंड डिसोल्यूशन या रिकॉन्स्टिट्यूशन पे अपने पार्टनर को या तो कैपिटल असेट देती है फर्म या स्टॉक इन ट्रेड देती है या दोनों देती है तो उस पर्टिकुलर केस में ऐसा माना जाएगा जैसे पार्टनरशिप फर्म ने वो कैपिटल असेट या स्टॉक इन ट्रेड किसी को बेचा है और पार्टनरशिप फर्म के हाथ में कैपिटल गेन या पीजी का इनकम आ जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे एज ऑन डेट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन यू गॉट माई पॉइंट नॉट यस चलिए अपन एक काम करते हैं सीधा एक क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन जो है तुमको मैंने आगे दे रखा है पेज नंबर ट्वेंटी नाइन पे अगर आप देखोगे इसमें जो सेकंड वाला पार्ट है वो सेकंड वाले पार्ट पे सीधा चलते हैं तो देखिए फर्म वाई एंड कंपनी करके एक फर्म है जो कि डिजॉल्व हो रही है ऑन फर्स्ट मार्च 2024 इसी साल में डिजोल्व हो रही है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट्स लैंड एट चंडीगढ़ मोहाली एंड गुरुग्राम ऑन द सेम डेट टू इट्स थ्री पार्टनर प्रेम अक्षय आरव को वो क्या दे रहे हैं लैंड दे रहे हैं तो एक बात बताओ यहां पर अगर लैंड दे रहे तो लैंड तो कैपिटल असेट है तो कैपिटल असेट किस को दे रहे हैं पार्टनर को दे रहे हैं रेस्पेक्टिवली होरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली जिनका पी एस आर इक्वल है द पर्टिकुलर ऑफ लैंड आर गिवन हियर अंडर यहाँ पे चंडीगढ़ का लैंड है जो प्रेम को दे रहे हैं मोहाली का लैंड है वो अक्षय को दे रहे हैं गुरुग्राम का लैंड है वो आरव को दे रहे हैं और यहां पार्टनरशिप फमनेल जो लैंड खरीदा था वो 2011 2015 2011 में खरीदा था यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसका ये दे रखा है एफ जो है ऑन द डेट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ये दे रखा है एक बात बताओ यहाँ पे इन एडिशन प्रेम एंड अक्षय गिवन मनी ऑल्सो देखो मनी दिया उससे कोई मतलब नहीं यहां पे नाइन बी जो सेक्शन है ना वो नाइन बी सेक्शन दो चीजों की बात करता है या तो कैपिटल असेट देते हैं या फिर कोई स्टॉक इन ट्रेड देते हैं तो कैपिटल गेन या पीजीबीपी पी का इनकम आएगा फर्म के हाथ में किसके हाथ में फर्म के हाथ में तो चलिए अब एक बात बताओ यहां कैपिटल असेट दी डिजोल्यूश के टाइम पे आंसर इज यस या रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है तो यहां पे नाइन बी के हिसाब से कैपिटल गेन निकालना है तो इसका आंसर सीधा पॉइंट नंबर फाइव है कि डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट इन हैंड्स ऑफ वाई एंड कंपनी दिल्ली फ्रॉम द अबोव ट्रांजेक्शन तो इन तीनों केस में कैपिटल गेन आ जाएगा क्योंकि कैपिटल असेट है तो देखो कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे तो सीधा पार्ट फाइव पे चलते हैं अपन और पार्ट फाइव में देखिए तो पार्ट फाइव में दे देखा एज पर सेक्शन नाइन बी इन केस ऑफ डिजोल्यूशन इफ कैपिटल असेट और स्टॉक इन ट्रेड इज ट्रांसफर टू पार्टनर देन कैपिटल गेन और पीजीबीपी और बोथ इज एप्लीकेबल इन ऑफ द फर्म अब यहां पे 45 फाइव फोर नहीं लग रहा 45 फाइव फोर क्या होता है अभी अपन देखेंगे तो तीनों ही लैंड के केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसडरेशन आएगा एफ एम वी एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा क्योंकि वो लैंड लॉन्ग टर्म है और यहां पे ये कैपिटल गेन टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में आ जाएगा बोलो क्लियर है यहां तक जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं बता दो फटाफट फड़ क्लियर है यहां तक आंसर इज यस यहां तक क्लियर है सर हमको कोई डाउट नहीं है नाइन में तो एक बार और मैं नाइन को रिवाइज करा रहा हूं समझने की कोशिश करना नाइन क्या बोलती है

कर रहे बाहर किसी को सेल कर रहे हैं सेम वैसे कैपिटल पीजीबीपी का इनकम आ जाएगा चलिए डन यहां तक कोई नहीं है। लेकिन ये जो है, ये क्या बोलती है फोर्टी फाइव फोर के अगर किसी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो पहली चीज तो ये सेक्शन तभी लगेगी जब पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है देखो ऊपर वाली सेक्शन नाइन भी कब लगती थी या तो रिकॉन्स्टिट्यूशन या डिजोल्यूशन बट ये सेक्शन जो है वो डिजोल्यूशन के केस में नहीं लगेगी सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में लगेगी किसमें लगेगी रिकॉन्स्टिट्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन कोई पार्टनर आता है कोई पार्टनर जाता है या फिर सब कंटिन्यू करते हैं लेकिन उनका रेस्पेक्टिव पीएसआई चेंज हो जाता है दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन तो एक चीज तो दिमाग में डाल दो कि गाइस फोर्टी फाइव फोर है वो तब लगेगी जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का दूसरी चीज अगर पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे गाइस पार्टनरशिप फर्म है ना वो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को दो असेट में से कोई असेट देता है या दोनों असेट देता है कौन कौन सा या तो देती है कैपिटल असेट देती है या फिर उसके साथ में कैश मतलब मनी दिया जाता है कैपिटल असेट दी जाती है या मनी दिया जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में गाइस पार्टनरशिप फर्म के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा अगर जो कैपिटल दी दी जा जा रही रही है है या जो मनी उसकी टोटल उस पार्टनर के कैपिटल से ज्यादा है क्योंकि देखो पार्टनर का कैपिटल सेटल करना पड़ेगा एक एग्जांपल लेते हैं आप चीजों को समझने की कोशिश करना एक एग्जांपल लेते हैं जैसे एक पार्टनरशिप फर्म है उसमें ए बी एंड सी तीन पार्टनर है और एबीसी का कैपिटल अकाउंट जैसे ए का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस टेन लैख है बी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फाइव लैख है और सी का कैपिटल बैलेंस का अकाउंट है वो टू लैक है अब एक बात समझना इसमें से फॉर एन एग्जाम्पल यहां पर बी है वो रिटायर हो रहा है और बी का कैपिटल बैलेंस कितना है फाइव लैख है बी रिटायर हो रहा है तो रिटायर होगा तो उसका सेटलमेंट किया जाएगा और रिटायर होगा तो उसका सेटलमेंट किया जाएगा तो सेटलमेंट करते टाइम उसको क्या दिया जाएगा या तो पैसा दिया जाएगा या कोई कैपिटल असेट दी जाएगी तो गाइज अगर जो पैसा दिया जा रहा है मनी एंड कैपिटल दे रखी है है उन दोनों की जो टोटल है, वो उसके कैपिटल बैलेंस से ज्यादा है तो जितना बचेगा ना जो बैलेंस आएगा वो कैपिटल गेन माना जाएगा पार्टनरशिप फर्म के हाथ में पार्टनरशिप फर्म के हाथ में और फर्म को उस पर कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा तो देखिए यहां पे क्या देगा ऑल पीपल पे अटेंशन यहां पे वेयर अ पार्टनर रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एनी मनी और अ कैपिटल असेट और बोथ देखो यहां मनी और कैपिटल असेट तो आप बोलोगे कि अगर किसी पार्टनर को कैपिटल असेट दिया तो कैपिटल असेट देंगे तो कैपिटल गेन नाइन बी में भी लगेगा क्योंकि यहां पे भी तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कवर है आंसर इज यस और यहां पे भी कैपिटल गेन आएगा आंसर इज यस गाइस ध्यान रखना यहां कैपिटल गेन जो आ रहा है वो कैपिटल असेट में नहीं आ रहा है यहां तो कैपिटल गेन किस पे आ रहा है बताए कि आपकी कैपिटल बैलेंस से ज्यादा कितना पैसा दिया जा रहा है आपका जो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस था उससे ज्यादा कितना पैसा या कैपिटल असेट दी जा रही है उतना जो एक्सेस रहेगा उस पर कैपिटल गेन आ रहा है यहां पर तो देखिए क्या ले है अगर पार्टनर को मनी दिया जाता है कैपिटल असेट दिया जाता है दोनों दिया जाता है कब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो जो भी प्रॉफिट होगा वो बेटा फर्म के हाथ में कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा कौन से ईयर में होगा जिस ईयर में पार्टनर को पैसा कैपिटल असेट दिया जा रहा है उस ईयर में कैसे कैपिटल गेन निकालेंगे यहां पे तो सबसे पहले आप ले लीजिए वैल्यू ऑफ द मनी ऑन द डेट ऑफ द रिसिप्ट जो रिसिप्ट जिस दिन हो रहा है उस डेट को मनी कितना दिया

अकाउंट बैलेंस मीन कैपिटल अकाउंट बैलेंस है वो ट्वेंटी लाख है और उसको जो मनी कैपिटल दिया वो मान लो तो 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 इंटरेस्टिंग सी चीजें आती है जो आप समझने की कोशिश करना मैं एक एक लेता एक से समझने की कोशिश करना ठीक है देखो बेटा जैसे एक पार्टनरशिप फर्म है उसकी ये बैलेंस शीट है और इस बैलेंस शीट में यहाँ पे कुछ असेट दे रखी है असेट साइड में असेट दे रखी है एक लैंड दे रखी है जो कि 2011 में खरीदा था और वो 5 लाख का दे रखा है उसके साथ साथ में यहां पे कुछ डेटर्स दे रखा है दो लाख का उसके साथ में यहां पे स्टॉक दे रखा है मान लो एक लाख रुपए का उसके साथ में अदर असेट दे रखी है वन लाख रुपए की तो आप बताइए यहां टोटल कितना हो गया फाइव टू सेवन एट नाइन टेन 10 लाख आ गया अब एक बात समझिए 10 लाख है बैलेंस शीट की असेट साइड की टोटल है अब लाइबिलिटी साइड में तीन पार्टनर है उनका कैपिटल अकाउंट दे रखा है कौन-कौन तीन पार्टनर है मान लो ए ए बी बी एंड सी सी और ए का कैपिटल अकाउंट है वो मान लो 5 लाख है बी का कैपिटल अकाउंट है वो मान लो 2 लाख है एंड सी का कैपिटल अकाउंट है वो भी आपका टू लाख है और बेटा यहाँ पे अदर है वो वन लाख है तो आपका टोटल टेन लाख हो गया आंसर इज यस पे आपका आपका टोटल टोटल जो है वो लाख हो गया तो यहाँ पे आपका टोटल जो है वो टोटल आपका टेन लाख है वो टेन लाख हो जाता है टेन लाख इधर टेन लाख असट साइड टेन लाख लाइबिलिटी साइड अब एक बात बताओ मुझे अगर इसमें से एक बंदा है बीबी -बी, वो रिटायर होता है चलो मैं रिटायर होता हूं तो मैं जब रिटायर होऊंगा आप लॉजिकली सोचो मैं जब रिटायर होऊंगा तो मेरे को क्या सिर्फ टू लाख दिया जाएगा क्या मुझे बोले के चल तू लाख रुपए लेके और जा भाग से जा जा दो लाख रुपए लेके जा मैं बोलूंगा रुको ऐसे कैसे चला जाऊं मैं ये पार्टनरशिप फर्म है मैंने इतनी मेहनत की है पार्टनरशिप फर्म तब तो बनी है इतने सालों से मेहनत कर रहा हूं मान लो ये फर्म ट्वेंटी ईयर से है।

भाई इतने साल मैंने काम किया मेरी गुडविल का क्या बाबू मेरी गुडविल तो दो करके ठीक है तो ये इस सब ऐसा रीवैल्यू होगा ये रीवैल्यू कैसे होगा कि जैसे लैंड है वो फाइव लाख की थी अब मान लो उसकी वैल्यू आज की डेट में ट्वेंटी फाइव है अब एक बात समझिए जो अदर असेट्स वगैरह है इसके साथ साथ में मान लो गुडविल क्रिएट की जाएगी और गुडविल क्रिएट की और बोला गुडविल है वो टेन लाख है तो मैं बोलूँ आपकी जो असेट है वो कितनी रीवैल्यू हो गई तो यहाँ पे 5 लाख से 25 फाइव लैख हुआ इसका मतलब 20 लाख रुपए है वो तो आपकी लैंड की वैल्यू बढ़ गई उसके साथ साथ में गुडविल की वैल्यू कितनी बढ़ गई थर्टी लाख टेन लाख रुपीज वो बढ़ गई तो मैं बोलू टोटल असेट का रीवैल्यूड कराया गया वो कितना कराया थर्टी लाख कराया अब एक बात बताओ थर्टी लेख है तो मैं बोलूंगा मेरा हिस्सा इस थर्टी लैख में भी तो है तो थर्टी लैख में अगर मान लो हम तीन पार्टनर है और इक्वल पी से हमारा प्रॉफिट शेयर करते हैं तो टेन लैख का मुझे हिस्सा मिलना चाहिए तो टेन लाख का मुझे हिस्सा मिलना चाहिए तो मैं क्या करूंगा टेन लैख रुपीज तो ये दो और टू लाख रुपए मेरा कैपिटल का दो तो अब मुझे ट्वेल्व लाख रुपीज में सेटल करो तो ऐसा ही तो होगा मैं बोलूंगा मुझे 12 लाख दो तो पार्टनरशिप फर्म मुझे 12 लाख देगी और यहीं पे एक चीज समझना जब मुझे 12 लाख दिया जा रहा है लेकिन मेरा कैपिटल का बैलेंस कितना था टू लैख था तो बेटा यहां पे जब ट्वेल्व लैक दिया जा रहा है मुझे करके ठीक है कैपिटल का बैलेंस टू लेख है तो यहां पे जो टेन लैख रुपेज है वो टेन लैख एक्स्ट्रा दिया जा रहा है उस पर कैपिटल गेन पार्टनरशिप फर्म को भरना पड़ेगा अभी अभी पार्टनरशिप फर्म को इस टेन लैख पे कैपिटल गेन है वो पे करना पड़ेगा तो देखो क्या पढ़ा मैंने कि अगर किसी भी तो यहां पे आप ऐसे मत समझिए कि यहां पे कैपिटल गेन लग रहा है वो कैपिटल असेट लग ना बाबू ना कैपिटल असेट पे कैपिटल गेन नाइन बी में लग गया यहां पे क्या हो रहा है कि जो रिमेनिंग असेट बची है फर्म के पास वो रिमेनिंग असेट को रीवैल्यूड किया जाएगा गुडविल को क्रिएट किया जाएगा तो रिमेनिंग असेट को जब रीवैल्यू किया जा रहा है गुडविल को क्रिएट किया जा रहा है तो उसमें मेरा जो हिस्सा रहेगा वो हिस्सा मुझे दो ना तो मेरा जो हिस्सा दिया जा रहा है ना और जो मेरे कैपिटल से ज्यादा है उसमें कैपिटल गेन पार्टनरशिप फर्म को यहां पर भरना पड़ रहा है करके तो देखो यहां पे क्या होगा मेरे को मनी या कोई कैपिटल असेट है वो 12 लाख की दी जाएगी मेरा कैपिटल बैलेंस कितना 2 लाख है तो यहां 10 लाख पे पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा यू गॉट माय पॉइंट और नॉट यू अंडरस्टूड माय पॉइंट और नॉट यस सर हमको यहां पे समझ में आया करके ठीक है लेकिन एक बात बताओ ये जो टेन लैख मुझ 10 पे कैपिटल गेन पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है ये टेन लैख पे पार्टनरशिप फर्म कैपिटल गेन पे कर रही है ये अल्टीमेटली तो मैं बोलू कैपिटल गेन किस चीज का है कि जो रिमेनिंग असेट थी उनको जो रीवैल्यू किया था उस वाला कैपिटल गेन है ये क्योंकि रिमेनिंग अट में देखो कौन कौन सी सीट का रिवैल्यूशन किया था एक तो लैंड का किया था लैंड बिकी नहीं है अभी तक सिर्फ उसको रिवैल्यू किया था एक गुडविल बुक में क्रिएट की थी गुडविल का रिवैल्यूशन हुआ था तो बेटा ये जो थर्टी मेरा हिस्सा जो थ्री लैख है तो उसपे मेरा हिस्सा जो टेन लैख है उस टेन लैख पे कैपिटल गेन अभी पार्टनरशिप फॉर्म भर रही है अब आप मुझे बोलोगे कि सर अल्टीमेटली ये कैपिटल गेन किस चीज का है जो आपकी रिमेनिंग असेट रीवैल्यूड हुई या गुडविल क्रिएट की ठीक है उसका कैपिटल गेन है तो बाबू ये कैपिटल गेन जो आएगा टेन लैख अब जब फ्यूचर में वो असेट वापस आप बेचोगे तो वापस क्या उस पर कैपिटल गेन लगेगा क्योंकि पार्टनरशिप हम फ्यूचर में ये लैंड बेचेगी फ्यूचर में जो है ये मान लो गुडविल जो टेन लैख की क्रिएट की थी वो गुडविल बेचेगी तो सर उस पर भी तो कैपिटल गेन फिर आएगा बोलते हैं टेंशन मत लो जितना ये कैपिटल गेन यहां पे आया ना, कौन सी सेक्शन में फोर्टी फाइव फोर में रिमेनिंग असेट्स में रिमेनिंग असेट्स वो वाली जिसका रीवैल्यूशन हुआ है उसमें हम एट्रीब्यूट कर लेंगे मिस जो कैपिटल गेन आया कौन सी सेक्शन में फोर्टी फोर में इस कैपिटल गेन को हम एट्रिब्यूट करेंगे रिमेनिंग असेट में जिनका रीवैल्यूशन हुआ है तो मैं बताऊं रीवैल्यूशन दो असेट का हुआ है और दो असेट का कौन कौन सी का हुआ है एक तो लैंड का हुआ है और एक गुडविल का हुआ और कितना कितना हुआ है ट्वेंटी लैख इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है 10 lakh, इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है तो आप एक बात बताओ जो हमारा 10 का कैपिटल गेन आया इस टेन लेख के कैपिटल गेन को ये जो टेन लेख का कैपिटल गेन आया इस टेन लेख के कैपिटल गेन को हम क्या करेंगे कि बेटा ये जो लैंड है और तुम्हारी गुडविल है उसमें डिवाइड करेंगे इन द रेशियो ऑफ द टू इस टू वन कितना अप्रीशियशन हुआ था तो टेन लैक को टू वन में डिवाइड कर दो तो डिवाइड बाय आपका थर्टी मल्टीप्लाई ट्वेंटी और गुडविल के टूवर्ड्स एट्रीब्यूशन है वो ,33 आएगा। अब आप एक बात बताइए जब फ्यूचर में आप लैंड बेचोगे मान लो फ्यूचर में जाके आपने लैंड है वो सेवन लैख में बेच दिया

एंड गुडविल जब आप फ्यूचर में अगर बेचते हो तो बेटा वहां कॉस्ट लेते टाइम आपका थ्री लेख थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री थर्टी थ्री है वो भी आपका लेस हो जाएगा गुडविल का कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम लेकिन एक बात समझना अब क्वेश्चन ये ये आता है कि सर ये जो कैपिटल गेन आप बोल रहे हो टेन कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म ये कैसे डिसाइड होगा तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा रिवैल्यूशन हुआ है वो asset, 45 .4 में जब कैपिटल गेन लग रहा है तब वो रिमेनिंग असेट जिस पे एट्रीब्यूशन हो रहा है वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म अगर वो असट लॉन्ग टर्म है तो ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा और अगर वो असट शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म होगा लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि बेटा ये जो कैपिटल गेन है ना वो शॉर्ट टर्म होगा हमेशा तीन केसेस में या तो जब एट्रीब्यूशन हो रहा है उस टाइम पे वो एट्रीब्यूशन जिस असेट पे हो रहा है वो शॉर्ट टर्म है या फिर वो असेट आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल है करके सेल्फ जनरेटेड है या फिर वो वोट आपका डेप्रिशिएट है जिस पे हो रहा है वो है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल सेल्फ जनरेटेड है या शॉर्ट टर्म कैपिटल है तो शॉर्ट टर्म होगा अदरवाइज वो लॉन्ग टर्म होगा अब एक बात बताओ ये 10 का कैपिटल गेन जो है एट्रीब्यूट दो असेट पे हो रहा है एक तो लैंड पे हो रहा है करके ठीक है और दूसरा गुडविल पे हो रहा है तो गुडविल के केस में आपका जो एट्रीब्यूशन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो थ्री लैख थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री थर्टी थ्री का शॉर्ट टर्म होगा और सिक्स लेख सिक्सटी सिक्स थाउंड सिक्स है वो तुम्हारा

प्रेम इज अ पार्टनर इन द टू फॉर्म एक्स एंड कंपनी एंड एंड कंपनी एंड कंपनी का डिजोल्यूशन हो रहा था उस पर्टिकुलर केस में नाइन बी लग रहा है वो अपन देख चुके हैं

मुंबई का लैंड 88 एट था उसको 250 फिफ्टी कर दिया एंड गाइस गुडविल जो है वो क्रिएट की रीवैल्यू की गई 70 लैख पे अब एक बात समझना प्रेम यहां पे रिजाइन कर रहा है प्रेम है वो जा रहा है फर्म से प्रेम को दे रहे हैं तो इन्होंने बोला ऑन अप्रैल 2023 एक्स एंड कंपनी गिव नागपुर लैंड एंड फिफ्टीन लैक टू द प्रेम टू सेटल द कैपिटल बैलेंस तो प्रेम का कैपिटल बैलेंस सेटल करने के लिए एक तो नागपुर का जो लैंड है नागपुर का लैंड मतलब ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये नागपुर वाला जो लैंड है फोर्टी फाइव का एक तो ये दिया जा रहा है And उसके साथ साथ में नागपुर का लैंड दिया जा रहा है और उसके साथ में कुछ पैसा भी दिया जा रहा है और पैसा कितना दिया जा रहा है पता है 15 ,00 ,000 ,000 है है लाख वो पैसा दिया जा रहा है। अब आप एक बात समझ अगर एग्जाम में ऐसा आता है, सबसे पहले आप ये सोचोगे कि सर यहां पर सबसे पहले आपको यह देखना है कि पहले 9B के से सोचना है 9B क्या बोलता था कि अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म है उस पार्टनरशिप फर्म का डिजोल्यूशन होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और पार्टनर को कैपिटल असेट दी जाती है स्टॉक इन ट्रेड दिया जाता है तो कैपिटल गेन या पीजीबीपी में इनकम आएगा तो पहली चीज क्या यहां पर रिकॉन्स्टिट्यून हो रहा है आंसर इज यस तो पहले आप नाइन बी के हिसाब से कैपिटल गेन निकालो क्योंकि कैपिटल असेट दी जा रही है नागपुर की लैंड तो नागपुर की लैंड दी जा रही है तो यहां पे कैपिटल गेन कैसे निकलेगा पार्टनरशिप फर्म के हाथ में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा एफ एमवी एस ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर दैट इज फोर्टी फाइव लैक तो फोर्टी फाइव लैक है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फर्म के हाथ में आया उस पर इंडेक्सेशन वगैरह करेंगे तो इंडेक्सेशन वगैरह करने के बाद थर्टी फोर पॉइंट एटी लैक आया तो टेन लैख ट्वेंटी थाउजेंड का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पार्टनरशिप फर्म के हाथ में आ जाएगा और यह कौन से सेक्शन की वजह से आएगा नाइन बी के हिसाब से आएगा नाइन बी के हिसाब से अभी तक अपन नाइन बी की बात कर रहे थे अब एक चीज समझना ये जो कैपिटल गेन आएगा इस कैपिटल गेन पे फर्म को टैक्स भी भरना पड़ेगा अब फर्म को टैक्स कितना भरना पड़ेगा तो टेन लैख ट्वेंटी थाउजेंड लॉन्ग टर्म है तो टेन लैख ट्वेंटी आपका ट्वेंटी परसेंट की रेट से टैक्स प्लस सरचार्ज लगेगा नहीं क्योंकि वन करोड़ से ज्यादा नहीं है एंड हेल्थ एंड एजुकेशन से फोर परसेंट तो टू लैख ट्वेल्व थाउजेंड वन सिक्सटी का क्या आ जाएगा कैपिटल गेन आ जाएगा किसके हाथ में पार्टनरशिप फर्म के हाथ में कैपिटल गेन टैक्स इतना भरना पड़ेगा अब एक चीज समझना यहां पे जब लॉ मेकर्स ने फोर्टी फोर्टी फाइव फोर को जब समझाया था एंड नाइन बी को समझाया था जो बजट आया था उसके बाद उन्होंने एक क्लेरिफिकेशन दिया था उस क्लेरिफिकेशन में इन्होंने बोला था कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है ना उस कैपिटल अकाउंट में नाइन बी का इफेक्ट देना है मीन्स नाइन बी के हिसाब से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ उसका इफेक्ट उसके कैपिटल बैलेंस में देना है तो एक बात बताओ यहां पे मुझे बताइए आपका अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कितना टैक्स अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना आया होगा नागपुर की लैंड में तो एक बात बताओ नागपुर की लैंड है वो में खरीदी हुई थी और उसकी एफ एम बी फोर्टी फाइव लैक है तो मुझे एक बात बताओ फोर्टी फाइव लैख माइनस ट्वेंटी बोलू नाइनटीन पॉइंट सिक्स लैख का अकाउंटिंग प्रॉफिट आया होगा अकाउंटिंग प्रॉफिट जो एज पर अकाउंट है एफ के हिसाब से आपका नाइनटीन आया होगा 19 लाख सिक्सटी थाउजेंड एंड नाइनटीन लाख सिक्सटी में से जो फर्म की टैक्स लाइबिलिटी है वो टू लैख ट्वेल्ल थाउजेंड वन सिक्सटी लेस कर दो तो टू लैख ट्वेल्व थाउजेंड वन सिक्सटी आप लेस कर देते हो तो मैं बोलू पार्टनरशिप फर्म के लिए अकाउंटिंग प्रॉफिट बचता है वो आपका सेवनटीन लैक फोर्टी सेवन थाउजेंड एट फोर्टी बचता है अब ये अकाउंटिंग प्रॉफिट है और अकाउंटिंग प्रॉफिट को चार पार्टनर है, चारों में डिवाइड कर दो तो हर पार्टनर के हिस्से में फोर लैख थर्टी सिक्स थाउजेंड नाइन सिक्सटी आ जाता है अब एक बात बताओ हर पार्टनर का कैपिटल बैलेंस कितना था 32 लाख था 32 लाख में 4 लैख 36,960 ऐड करोगे तो अब पार्टनर का कैपिटल बैलेंस है वो 36 सिक्स 36,960 हो जाएगा अब मुझे एक चीज बताओ यहां पे प्रेम रिटायर हो रहा है तो यहां पे जब प्रेम रिटायर हो रहा है तो रीकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो अब आप 454 454 के हिसाब से सोचोगे तो क्या बोलती थी? कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और पार्टनरशिप फर्म कैपिटल असेट एंड मनी देती है और वो कैपिटल अट और मनी का वैल्यू है वो अगर उसके कैपिटल बैलेंस से ज्यादा है तो डिफरेंस वाले पे फर्म को कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा तो यहां पर एक बात बताओ प्रेम को क्या दिया जा रहा है एक तो फोर्टी फाइव की लैंड दी जा रही है नागपुर की उसके साथ में फिफ्टीन लाख मनी दिया जा रहा है तो उसको टोटल सिक्सटी लाख दिया जा रहा है एंड उसका कैपिटल बैलेंस कितना है कैपिटल बैलेंस थर्टी सिक्स लैख थर्टी सिक्स थाउजेंड नाइन सिक्सटी है तो यहां ट्वेंटी थ्री लैख सिक्स थाउजेंड फोर्टी है वो ट्वेंटी थ्री लैख सिक्सटी थ्री थाउजेंड फोर्टी है इतने का कैपिटल गेन होगा

तो आप एक बात बताओ रीवैल्यूड में कितना अमाउंट बढ़ाया गया तो 15 से 50 कर दिया तो यहां पे बेटा 35 लाख बढ़ाया गया 35 लाख बढ़ाया गया यहां पे आपका 250 से माइनस -88 तो यहां पे आपका 162 बढ़ाया गया एंड गाइस यहां पे 70 बढ़ाया गया तो टोटल कितना इंक्रीमेंट हुआ असेट्स में 35 प्लस 162 प्लस 70 सो इट्स कम्स टू द 267 का इंक्रीमेंट हुआ यहां एसेट में तो जो कैपिटल गेन आया वो आपको इस रेशियो में डिवाइड करना है थर्टी फाइव इस टू वन सिक्सटी टू इस टू सेवेंटी के रेशियो में आपको एट्रिब्यूट करना है तो आप क्या करोगे एट्रीब्यूशन कैसे करोगे तो सबसे पहले जो कैपिटल गेन आपका आया यहां पे कैपिटल गेन आपका कितना आया ट्वेंटी थ्री लैख सिक्सेंड फोर्टी तो उसमें पुणे की लैंड में क्या करोगे पुणे की लैंड में आपका जो भी ट्वेंटी थ्री लैख सिक्सटी फोर थाउजेंड जीरो फोर्टी मल्टीप्लाई बाय थर्टी फाइव लैक पुणे की लैंड की वैल्यू बढ़ाई डिवाइड बाय टोटल इंक्रीज कितना हुआ था टू सिक्सटी सेवन लैख कर दो इतना एट्रीब्यूशन होगा वो पुणे की लैंड के टूवर्स होगा उसके बाद मुंबई के लैंड के टूवर्स इतना और गुडविल के टूवर्ड्स इतना होगा अब ये कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा तो देखो जो जिस टाइम पे एट्रीब्यूशन हो रहा है उस टाइम पे जो रिमेनिंग असेट है वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म लेकिन एक बात समझना अगर शॉर्ट टर्म है या फिर सेल्फ जनरेटेड असेट है या फिर डेप्रिशिएबल अट है तो वो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होगा तो एक बात बताओ यहां पर जब एट्रीब्यूशन हो रहा है तो एट्रीब्यूशन के टाइम पे जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल के टूवर्स जो एट्रीब्यूशन हुआ वो शॉर्ट टर्म होगा एंड मुंबई और पुणे की लैंड के टूवर्ड्स हुआ वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा तो यहां पे बड़ा सिंपल है कि जो एट्रीब्यूशन वाला अगर आप देखोगे तो यहां थ्री लैख नाइन थाउजेंड सेवन सिक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा एंड सिक्स लैक नाइन थाउजेंड फाइव ट्वेंटी थ्री है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और फ्यूचर में जब आप इन असट को बेचोगे जब पुणे की लैंड बेचोगे मुंबई की लैंड बेचोगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल बेचोगे तो जितना यहां पर एट्रीब्यूटेबल अमाउंट है वो आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम लेस करने का मौका मिलेगा भैया इसके बारे में पूरा मैंने एक एक एक, एक पार्ट दे रखा है आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आधा घंटा मैंने ले लिया सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट चलिए अब अपन चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे और अगला कॉन्सेप्ट है सेक्शन फोर्टी फाइव सब सेक्शन टू ए ये क्या बोलता है कि अगर आपका डीमेट में कोई भी शेयर है तो मुझे बताइए जब आपका शेयर डीमेट में है तो कैसे पता चलेगा कौन सा शेयर बिका है तो यहां लॉ मेकर्स बोलते हैं आपको फीफो मेथड फॉलो करना है जो डीमेट में पहले आया था वो डीमेट से पहले बाहर जाएगा जो डीमेट में पहले आया था वो डीमेट से पहले बाहर जाएगा लेकिन एक चीज समझना बहुत बार क्या होता है पुराना आपका पेपर वाला फॉर्म था पेपर वाला शेयर था उसको लेटर पार्ट पे डीमेट कराया तो वहां पे जब आप फीफो मेथड लगाओगे तो डीमेट की डेट वाइज लगाओगे या परचेज की डेट वाइज लगाओगे राइट आंसर इज डीमेट की डेट वाइज लगाना है जो डीमेट है डीमेट में शेयर कब आया था उसके हिसाब से जो पहले डीमेट में आएगा वो पहले बाहर जाएगा कब परचेज किया हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है एक और चीज समझना ये जो फीफो मेथड है ना ये सिर्फ डीमेट सिक्योरिटी के लिए लगेगा अगर कोई भी आपकी पेपर सिक्योरिटी है उसके केस में आपको यहां पे फीफो मेथड लगाने की जरूरत नहीं है यू गॉट माय पॉइंट और नॉट यस अब एक और चीज समझना अगर मान लो आपके पास मल्टीपल डीमेट अकाउंट है जैसे दो तीन डीमेट अकाउंट है तो यहां पर फीफो मैथड डीमेट वाइज लगेगा या सबको मर्ज करने के बाद लगेगा राइट आंसर इज डीमेट वाइज लगेगा मीन्स हर डीमेट के लिए अलग अलग फीफो मैथड आपको लगाना पड़ेगा चलिए उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में गाइस ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है और यहां पे भी अमेंडमेंट है और जहां

एच डी एफ सी लाइफ से ले सकते हो कहीं से भी ले सकते हो तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मेच्योरिटी एक्जेंट होता है या टैक्सेबल होता है तो मैं आपको बताऊं देखो एक सेक्शन होती है टेंट एंड टेंट एंडी क्या बोलती है कि कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका जो पैसा आपको मिलता है वो एक्जेम्ट होता है एक्जेंट फ्रॉम टैक्स उस पर टैक्स नहीं लगता तो आपने सुना होगा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मेच्योरिटी एक्जेंट होता है लेकिन घाइज लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी का मेच्योरिटी है ना चार केसेज में टैक्सेबल होता है कौन कौन से चार केसेस पहला अगर मान लो आपका कोई कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी है तो कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा अगर आपको मिलता है तो वो मेच्योरिटी आपके लिए टैक्सेबल होगा इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा कभी भी मिलता है वो टैक्सेबल होगा कहां टैक्सेबल होगा तो आपको याद रहेगा मैंने आपको बताया था अगर एम्प्लॉय को मिलता है इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा तो सैलरी में टैक्सेबल होगा अगर बिजनेसमैन को मिलता है तो वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा और अगर मान लो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं है और किसी को कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी का मेचोरिटी अमाउंट मिलता है तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा तो ये दिमाग में डाल दो कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिला तो वो टैक्सेबल है दूसरा एक चीज ध्यान रखना आपको जब पैसा मिलता है किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी का और इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिलता है और आपने प्रीमियम पे करते टाइम लिमिट को क्रॉस किया था तो मैच्योरिटी टैक्सेबल है लिमिट को क्रॉस किया था याद करो डिडक्शन टॉपिक एटीसी वाली सेक्शन और एटीसी में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मान लो आपका एटीसी में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वन फोर टू थाउजेंड ट्वेल्व से पहले ले रखी है तो वहां पे लिमिट होती थी कि इंश्योरेंस प्रीमियम जितना पे किया एंड ट्वेंटी परसेंट ऑफ द पॉलिसी वैल्यू पॉलिसी वैल्यू का मतलब सम सम एश्योर्ड एश्योर्ड के 20 से ज्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए अगर पॉलिसी वन फोर टू थाउजेंड ट्वेल्व के बाद में ली है तो टेन परसेंट ऑफ पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए किसी भी साल में एंड गाइज अगर किसी हैंडीकैप के लिए वन फोर टू थाउजेंड थर्टीन के बाद में ले रखा है तो फिफ्टीन परसेंट ऑफ पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए अगर प्रीमियम क्रॉस कर जाता है इस लिमिट को तो मेच्योरिटी आपके लिए टैक्सेबल है अगर प्रीमियम क्रॉस कर जाता है तो मैच्योरिटी जो रहेगी वो मैच्योरिटी आपके लिए टैक्सेबल है लेकिन एक बात बताओ प्रीमियम क्रॉस कर गया लेकिन तो भी अगर डेथ पे पैसा मिला प्रीमियम लिमिट को क्रॉस कर रहा था लेकिन डेथ पे पैसा मिला तो फिर एग्जेप हो जाएगा ये दो एक तो टैक्सेबल होता है कब लिमिट क्रॉस कर दी टेन फिफ्टी ट्वेंटी परसेंट वाला या फिर कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मैच्योरिटी मिलता है वो टैक्सेबल है अब एक चीज समझना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा अगर मिल रहा है तो टैक्सेबल कौन से हेड में होगा टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज में पहले क्लैरिटी नहीं थी बट डोंट वरी इस साल से उन्होंने क्लैरिटी दे दी है कि अगर मान लो कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी आता है तो मैच्योरिटी का पैसा अगर वो टैक्सेबल हो रहा है तो अदर सोर्सेज में होगा देखो कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो टैक्सेबल होगा वो तो डिपेंड करेगा एंप्लॉय को मिला तो सैलरी बिजनेसमैन को मिला तो पीजीबीपी अदर पर्सन को मिला तो अदर सोर्सेज बट अदरवाइज अगर मान लो ये लिमिट्स वगैरह क्रॉस की है और पैसा मिलता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मेच्योरिटी का पैसा अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो

तो मैं बताऊं तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट बोलता है, कि अगर आपने 2021, याद रखनी पड़ेगी? है वो किसी भी ईयर में उस यूलिप का प्रीमियम अगर टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा है तो मेच्योरिटी टैक्सेबल है और टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन हेड में मैंने क्या बोला समझना अगर आपने क्या किया यूलिप लिया और यूलिप आपने जो लिया वो कब लिया फर्स्ट फेब 2021 या उसके बाद में लिया एंड किसी भी ईयर में उस यूलिप का प्रीमियम है वो टू लैख फिफ्टी थाउजेंड को क्रॉस कर गया तो उसका मेच्योरिटी टैक्सेबल है और अगर टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तक ही है तो फिर एक्सम है लेकिन एक बात समझना लोग दिमाग लगाएंगे लोग क्या करेंगे पता है लोग क्या करेंगे कि मल्टीपल यूलिप लेंगे फर्स्ट फेब 2021 के बाद मान लो मैंने पांच यूलिप ले ली और उसका प्रीमियम कैसे वन लैख वन लैख वन लैख वन लैख वन लैख पांच यूलिप ले ली तो वन लैख वन लैख वन लैख वन लैख पांच यूलिप का पांच लाख प्रीमियम है अब मैं तो बोलूंगा किसी भी यूलिप का टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा प्रीमियम नहीं है तो यहां पे लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर एग्रीगेट मिला के टू फिफ्टी से ज्यादा है यूलिप वन फर्स्ट फेब के एग्रीगेट प्रीमियम टू लैख फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा है तो जिन यूलिप्स का प्रीमियम अप टू टू लेख फिफ्टी थाउजेंड है उस पर आप एग्जेम्पन ले सकते हैं बाकी वाले पे एक्जेम्पन नहीं लेंगे तो मैंने पांच यूलिप लिए जिसका प्रीमियम वन लेख वन लेख वन लेख वन लेख वन लेख है तो मैं क्या करूंगा इन दो यूलिप जो है इसका प्रीमियम टोटल कितना हुआ टू लेख हुआ तो इस इसे मैं एग्जेमशन ले लूंगा टेन टेन डी का मेच्योरिटी पे और ये तीन का जो मेच्योरिटी है वो टैक्सेबल कर दूंगा तीन का मेच्योरिटी टैक्सेबल कर दूंगा और ये दो का क्या कर दूंगा एग्जेपन ले लूंगा एंड गाइज उसी बेसिस पे मैंने यहां पे ये एग्जाम्पल बना रखा है और जब आप ये एग्जाम्पल देखोगे तो आपको उस ढंग से समझ में आएगा इसमें मैंने क्या किया हुआ है जैसे देखिए ये जो आपका ए और बी है ये तो नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी है तो यहां पे आप वो लिमिट वगैरह देख लो अगर मान लो लिमिट के अंदर अंदर आपने प्रीमियम पे किया तो एक्जेंट है लिमिट से ऊपर है तो वो टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज में लेकिन सी वाला यूलिप है वो फर्स्ट फेब टू फर्स्ट जेन टू को ले रखा है मीन फर्स्ट फेब टू से पहले ले रखा है तो इसका मेच्योरिटी भी एग्जेम होगा लेकिन गाइज ये वाला वन टू थ्री फोर ये जो चार यूलिप ऐसी है जो मैंने फर्स्ट फेब टू के बाद ले रखी है

कि मैं क्या करूंगा हो सकता है जैसे ये वन लैख और वन पॉइंट फोर लैख टू पॉइंट फोर लैक हुआ तो टू लैख फोर्टी थाउजेंड जो यूलिप ई और एफ है इसकी मेच्योरिटी मैं क्या करवा दूसम करा दू एंड जी की मैच्योरिटी को टैक्सेबल करा दू या फिर एक काम करता हूं ई e और एफ की मैच्योरिटी को टैक्सेबल करा दू और जी को करा दू। ऐसा हो सकता है जो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है वो मैं कर दूंगा और यहां पे यूलिप के केस में हमेशा ध्यान रखना कैपिटल गेन जो लगेगा वो कैपिटल गेन आएगा फोर्टी फाइव बी में और ये कैपिटल गेन जो कैसे कैलकुलेट करोगे सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा कि जितना आपको पैसा मिलता है यूलिप से माइनस क्या करोगे जितना आपने प्रीमियम पे किया था वो आप लेस कर दो यहां इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा जो बचेगा वो कैपिटल गेन आएगा और गाइस ध्यान रखना ये हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा वन वन टू ए वाला मिस जो भी कैपिटल गेन बचेगा दिस इज ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन वन वन टू ए तो जैसे यूलिप से मान लो यूलिप मेरा टेन का था, उसमें फाइव पैसा मिला तो तब टैक्सेबल हो गया अब वापस पैसा मिला, तो फाइव जब पैसा मिलेगा, उस में हो जाएगा, अंडर सेक्शन अंडर कैपिटल गेन यू गॉट माई पॉइंट अब एक और चीज समझता इस साल से एक और अमेंडमेंट हुआ और यह अमेंडमेंट बोलता है कि अगर कोई नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है पहले क्या होता था नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपका मेच्योरिटी था कितना भी प्रीमियम हो चलेगा सिर्फ वो लिमिट का ध्यान रखना पड़ता था टेन परसेंट फिफ्टीन परसेंट ट्वेंटी में मेच्योरिटी अमाउंट कितना भी हो पूरा एग्जाम था अंडर सेक्शन टेन टेन डी इस बार अमेंडमेंट कर लिया निर्मला सीतारमन जी ने और निर्मला सीतारमन जी बोलती है कि भैया कोई भी नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है और उसका प्रीमियम फर्स्ट अप्रैल टू के बाद में लिया है मिस पॉलिसी पॉलिसी अगर आपने फर्स्ट अप्रैल 2023 के बाद में लिया है और उसका प्रीमियम अगर फाइव लेख से ज्यादा है तो मेच्योरिटी टैक्सेबल है अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस

और इन्होंने बोला कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो मैच्योरिटी है वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर वो टैक्सेबल हो रहा है टैक्सेबल कब होगा या तो वो 10, 15, 20 का लिमिट क्रॉस हो गया या फिर वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री के बाद में पॉलिसी ली और उसका प्रीमियम फाइव लैक से ज्यादा है तो और एक चीज ध्यान रखना टैक्सेबल कैसे करोगे सबसे पहले जो पैसा आता है वो ले लीजिए और माइनस आपने जितना प्रीमियम पे किया था वो लेस कर दीजिए जैसे मेच्योरिटी अमाउंट फिफ्टी लैक है और मैंने जो प्रीमियम पे किया था वो प्रीमियम पे किया था फॉर एन एक्साम्पल थर्टी लैखेंटी लैक टैक्सेबल होगा लेकिन इसमें एक चीज समझना जो प्रीमियम आपने पे किया था ना उस प्रीमियम का अगर आपने डिडक्शन लिया हुआ है डिडक्शन लिया हुआ है अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट जैसे ए वगैरह में डिडक्शन लिया हुआ है तो फिर उस प्रीमियम को हम लेस नहीं करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग अदर सोर्सेज का इनकम While calculating other sources का income, उसको हम लेस नहीं करेंगे अगर आपने उसका ले रखा है। तो जैसे गाइज आप समझोगे यहां पर देखो वाला जो है वहां तो एनुअल प्रीमियम आपका फोर लैक ही है तो एनुअल प्रीमियम फोर लैक है तो इसकी मेच्योरिटी जो है वो तो आपकी exempt होगी अब अपन बात करते हैं अगर मान लो राम है तो राम ने क्या किया सम 60 लैक है और उसने प्रीमियम पे किया

उसमें से जितना प्रीमियम पे किया वो लेस करो हर साल प्रीमियम 520 पे कर रहा है बट बाबू 520 में से वो 150 का तो डिडक्शन भी तो ले रहा है एटीसी में तो मैं क्या करूंगा वन लैख्टी थाउजेंड तो एटीसी में डिडक्शन ले रहा है तो थ्री सेवेंटी आया थ्री सेवेंटी मल्टीप्लाई बाई टेन ईयर में कितना पे करेगा थर्टी सेवन लाख पे करेगा तो इसमें से थर्टी सेवन को आप लेस कर दो अब 37 को आप लेस करोगे तो बचेगा बचेगा कितना आपका 40, बचेगा और ये 40, जो बचेगा ना, ये 40 आपको समझा अब एक बात समझना ये इंटरेस्टिंग पार्ट था एग्जाम में कवर हो सकता है ढंग से ध्यान देना ठीक है चलिए अब एक और सेक्शन नहीं आई है फिफ्टी अमेंडमेंट ही अमेंडमेंट है फिफ्टी डबल ए ये सेक्शन क्यों लाई गई पहले तो मैं इसके बारे में आपको बता दू दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ द मार्केट लिंक डिबेंचर जिसको अपन लोग एमएलडी बोलते हैं आपने गूगल पे वगैरह बहुत बार सर्च किया होगा यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे एमएलडी मार्केट लिंक डिबेंचर मतलब जो है तो डिबेंचर बट वो मार्केट लिंक डिवेंचर है मीन उसकी जो वैल्यू है मीन आपको उस उसपे क्या होता है एक कंपोनेंट तो फिक्स रहता है बट अगर मान लो मार्केट जैसे चलता है ना वैसे डिवेंचर की वैल्यू भी चेंज होगी मेच्योरिटी भी चेंज होगी दैट इज कॉल्ड मार्केट लिंक डिवेंचर और एक होता है डेप्ट म्यूचुअल फंड डेट म्यूचुअल फंड इन दो के केस में ये अमेंडमेंट है देखो नॉर्मली क्या होता है आप समझिए अगर मैंने अगर मैंने मैंने नॉर्मली मान लो बैंक में एफडी कराई या फिर मैंने बैंक में एफ कराई या फिर मैंने नॉर्मल कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदा तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है इंटरेस्ट कौन सी रेट से टैक्सेबल होता है थर्टी से होता है भाई इंटरेस्ट नॉर्मली मेरे हाथ में नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल होता है अब लोगों ने क्या प्लानिंग किया बताए कि कहीं डेट इंस्ट्रूमेंट से इंटरेस्ट ना मिले या फिर इन, इं, इं, बैंक में एफ डी कराओ उन्होंने क्या किया दिमाग लगाया कि अपन एक काम करते हैं ना अपन एक काम करते हैं हम लेते हैं डेट म्यूचुअल फंड या फिर मार्केट लिंक डिबेंचर लेते हैं अब एक बात बताओ डेट म्यूचुअल फंड और मार्केट लिंक डिबेंचर अब उसकी मैच्योरिटी होती है अब मैच्योरिटी मान लो दो तीन साल के बाद में है तो वहां पे क्या होगा डेट म्यूचुअल फंड के केस में एंड गाइस मार्केट डेट म्यूचुअल फंड के केस में तो आपको क्या होगा इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिल जाएगा एंड जो भी कैपिटल गेन होगा वो कैपिटल गेन अगर आपका लॉन्ग टर्म है तो उस पर बहुत कम रेट से टैक्सेबल होगा तो देखो अगर आप बैंक में एफडी कराते हो या फिर आप किसी मान लो डिवेंचर में इन्वेस्ट किया उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो तो नॉर्मल टैक्स रेट थर्टी परसेंट से टैक्सेबल होता है बट बेटर है आप एक काम करो ना डेट म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो या फिर आप मार्केट लिंक डिबेंचर ले लो और उसका जो मैच्योरिटी रहेगा उसका जो पैसा मिलेगा उस पर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया तो वो तो बहुत कम रेट से टैक्सेबल होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ 20 परसेंट से टैक्सेबल होता है और अगर डेट म्यूचुअल फंड की बात करूं तो डेट म्यूचुअल फंड में तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिल जाएगा क्योंकि डिबेंचर बॉन्ड्स में इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलता बाकी म्यूचुअल फंड में तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा वन लगता है तो नहीं मिलता अदरवाइज तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा तो लॉ मेकर्स ने इस बार अमेंडमेंट किया बोला ऐसा कैसे तो लॉ मेकर्स ने अमेंडमेंट क्या किया कि अगर मान लो आप कोई भी स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड खरीदते हो ऑन और आफ्टर फर्स्ट अप्रैल 2023 तो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड का मतलब आप डेट म्यूचुअल फंड समझिए डेट म्यूचुअल फंड किसको बोलेंगे अभी मैं आपको समझा दूंगा अगर आप डेट म्यूचुअल फंड खरीदते हो 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद में या फिर कोई भी आपका मार्केट लिंक डिबेंचर है एमएलडी है मार्केट लिंक डिबेंचर है और उसका जब भी आपको पैसा मिलेगा तो आपने क्या किया या तो डेट म्यूचुअल फंड देखो डेट म्यूचुअल फंड के लिए डेट दे रखी है कि डेट म्यूचुअल फंड आपने एक्वायर किया फर्स्ट अप्रैल 2023 या उसके बाद में एंड मार्केट लिंक डिबेंचर है वो आपने कभी भी परचेज किया उससे मतलब नहीं लेकिन आपका मेच्योरिटी अब हो रहा है आपको पैसा अब मिल रहा है तो देखो एक तो डेट म्यूचुअल फंड जो आपने फर्स्ट अप्रैल 2023 के बाद में एक्वायर किया फिर उसका पैसा फ्यूचर में मिलेगा या फिर आपने एमएलडी कभी भी खरीदा हो उसका पैसा आपको मिल रहा है तो गाइज उसके केस में आपको कैपिटल गेन होगा वो हमेशा शॉर्ट टर्म होगा इर ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे थर्टी की रेट से गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाएगा तो यहां पे आपका कैपिटल गेन है ना वो हमेशा शॉर्ट टर्म होगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिड्रेशन क्या आएगा जो भी आपका सेल करने पे पैसा मिला या मेच्योरिटी पे पैसा मिला रिडेमशन पे पैसा मिला वो ले लीजिए माइनस कर दीजिए ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड गाइस ये हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और इसके केस में कोई भी इंडेक्स आपको नहीं मिलेगा तो देखियो पैरेलल ला लिया आज की डेट में आप एफडी कराओ या आज की डेट में आप किसी डिबेंचर में इंटरेस्ट ले तो थर्टी परसेंट से टैक्सेबल होगा अब यहां पर भी थर्टी परसेंट से टैक्सेबल होगा तो डेट म्यूचुअल फंड आपने फर्स्ट अप्रैल टू के बाद में एक्वायर किया या फिर आपने

जिसका एक डेट सिक्योरिटी होती है डेट होता है करके ठीक है लेकिन उसमें क्या होता है ना उसका देखो रिटर्न एक तो कंपोनेंट फिक्स रहता है लेकिन कुछ कंपोनेंट ऐसा रहता है कि जो मार्केट से लिंक रहता है हो सकता है इंडाइसेस से जैसे सेंसेक्स निफ्टी उससे लिंक रहे उस डिबेंचर का उसको बोला जाता है मार्केट लिंक डिबेंचर एक और चीज समझना यहां डेट म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि ऐसा म्यूचुअल फंड जिसका थर्टी या उससे कम पैसा जो है वो इक्विटी शेयर ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी में लगा हुआ है उसको डेट म्यूचुअल फंड बोलेंगे तो एक बात बताओ यहां पे क्या हुआ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड का मतलब ऐसा म्यूचुअल फंड जिसका 35 परसेंट या उससे कम पैसा है वो इक्विटी मार्केट में लगा हुआ है उसको बोलेंगे हम यहां पे स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड तो आप बोलोगे सर एक बात बताओ एक तो आपने इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बताया था तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड किसको बोलते थे बता इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का मतलब होता है जिसमें सिक्सटी फाइव परसेंट या उससे पैसा इक्विटी मार्केट में लगा है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो गया मैं बोलता था बाकी सब डेट है लेकिन यहाँ डेट यहां इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के लिए डेट का मतलब वो होगा जिसमें थर्टी फाइव परसेंट या उससे कम पैसा है वो इक्विटी मार्केट में लगा हो थर्टी फाइव परसेंट या उससे कम पैसा मीन इन्वेस्टिबल फंड का इक्विटी मार्केट में लगा हो वो तुम्हारा हो जाएगा यहां के लिए डेट म्यूचुअल फंड अब आप बोलोगे सर थर्टी फाइव परसेंट से ज्यादा है एंड से कम है उसको कौन सा म्यूचुअल फंड बोलेंगे तो उसको आप एक काम के लिए एक बार के लिए डेट बोल दो हाइब्रिड बोल दो कुछ भी बोल दो आपकी मर्जी है उस पर यह सेक्शन भी नहीं लगेगी एज वेल एज जो आपका इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में भी कवर नहीं होगा वो फिर तुम्हारा नॉर्मल म्यूचुअल फंड होगा उस पर्टिकुलर केस में लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म रहेगा इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट आपको मिल जाएगा यहां पे मैंने बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल क्रिएट किया है और ये आपके लिए क्रिएट किया है आप फटाफट इस को देख लो आपको क्लैरिटी अगला कॉन्सेप्ट आता है स्लम सेल और एक बात समझना स्लम सेल का मतलब क्या होता है सेक्शन फिफ्टी बी है और स्लम सेल का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी पूरा बिजनेस है कोई अंडरटेकिंग है या कोई डिवीजन है कोई सेगमेंट है वो लमसम कंसिडरेशन से आप सेल कर देते हो और उसमें इंडिविजुअल असेट एंड लाइबिलिटीज की वैल्यू पता नहीं होती है कॉल्ड सेल जैसे कि एक टाइटन करके कंपनी है उसके दो सेगमेंट है एक तो टाइटन वॉच का एक तनिष्क ज्वेलरी का मान लो ज्वेलरी का सेगमेंट उन्होंने एक साथ में बेच दिया लमसम कंसिडरेशन से तो उसको बोला जाएगा स्लम सेल अब एक चीज समझना स्लम सेल के के केस में सर कैपिटल गेन कैसे निकालना है सर क्योंकि उसमें बहुत सारी असेट ऐसी रहेगी जो शॉर्ट टर्म है बहुत सारी असैट ऐसी रहेगी जो लॉन्ग टर्म है उसमें कैपिटल गेन कैसे निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करने का कि जो अंडरटेकिंग आप बेच रहे हो ना जो सेगमेंट आप बेच रहे हो जो यूनिट आप बेच रहे हो उसको पूरे को एक ही असेट मान लो और कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकालेंगे तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा एफ एम वी एज पर द रूल नंबर इलेवन यूए अब इलेवन यू आई के हिसाब से रूल के हिसाब से एफ कैसे निकालेंगे वो अभी थोड़ी देर में सीख लेंगे माइनस कर दीजिए आप ट्रांसफर एक्सपेंसिस नेट नेट एक उस अंडरटेकिंग का उस यूनिट का उस सेगमेंट का जो बेचा जा रहा है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर दीजिए आपको मिल जाएगा कैपिटल गेन लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो यूनिट बेचा जा रहा है उसकी नेटवर्थ निकालनी पड़ेगी नेटवर्थ का मतलब होता है असेट माइनस लाइबिलिटी आप असेट में से लाइबिलिटीज को लेस कर दीजिए लेकिन सर असेट को कौन सी वैल्यू पे लेना है तो एक चीज ध्यान रखना असेट में जो डेप्रिशिएबल असेट होती है ना उसको ले लीजिए डब्ल्यू डीवी एज पर इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से

इबिलिटीज में ऑब्वियसली आप जो आउटसाइडर लाइबिलिटीज होती है वो लेंगे मिस आपकी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह वो कोई सर्पलसाइबिलिटीज नहीं होती है तो बाकी जो लाइबिलिटीज है वो आप बुक वैल्यू पे लेस करेंगे जो बचेगा वो नेटवर्थ एक चीज ध्यान रखना नेटवर्थ कैलकुलेट करते टाइम अगर किसी असेट को रीवैल्यूड कर रखा है तो उसको इग्नोर करना है मिस आपको वापस से राइट वैल्यू पे लाना है जैसे एग्जामिनर ऐसा देखा कि एक लैंड है जो हंड्रेड लाख में खरीदी थी और उसको रीवैल्यूड आपने थ्री हंड्रेड लाख पे कर रखा है तो आपको उसको हंड्रेड लैख पे ही लेना है आपको थ्री पे नहीं लेना मिस आपको रीवैल्यूशन के इफेक्ट को हटाना है इग्नोर करना है एज वेल एस ध्यान रखना अगर नेटवर्क कैलकुलेट करते टाइम आपका नेटवर्क जो है वो मान लो कभी नेगेटिव आ गया तो अगर नेगेटिव आ गया तो क्या नेगेटिव नेटवर्क लेंगे या फिर निल लेंगे? राइट right आंसर आपको निल लेना पड़ेगा ऐसा एक पुराना केस लॉ है

अब एक और चीज समझना यहां पे जब आप नेटवर्क कैलकुलेट करोगे ना तो यहां पे असेट्स लेते टाइम आपको ऑल असेट लेनी है वेदर इट इज अ कैपिटल असेट और नॉन कैपिटल असेट मीन स्टॉक इन ट्रेड भी इसमें आ जाएगा आपका जो डेप्रिशिएबल असेट है वो भी इसमें आ जाएगा नॉन ऑल यहां पे आ डेप्रिशिएट्स नेटवर्क तो एक चीज ध्यान रखना अगर आपका नेटवर्क कैलकुलेशन में सब आ जाती है तो आपको क्या कैपिटल गेन आएगा तो क्या अलग से पीजीबीपी का इनकम और निकालना पड़ेगा क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड भी तो ट्रांसफर हुआ है आंसर इज नो स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर हुआ तो भी आपको अलग से पीजीबीपी में कोई भी इनकम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अब यहां पर एक और चीज समझना सर क्वेश्चन आता है कि कैपिटल गेन निकालते टाइम आप बोल रहे हो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एफ एम लेना है क्या है वो देखेंगे मिल मिलेगा बाबा नो बाबा नो इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा ठीक है यहां पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा एक और चीज समझना जो कैपिटल गेन होगा वो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म वो कैसे डिसाइड करेंगे वो डिपेंड करेगा कि आपने ये अंडरटेकिंग चालू कब की थी ये जो अंडरटेकिंग है यह अंडरटेकिंग अगर आपने चालू किए हुए तीन साल से ज्यादा हो चुके हैं तो आपका लॉन्ग टर्म होगा और अगर तीन साल से ज्यादा नहीं हुए तो आपका शॉर्ट टर्म होगा तो यह अंडरटेकिंग चालू किए हुए तीन साल से ज्यादा हो गए तो लॉन्ग टर्म होगा और अगर तीन साल से ज्यादा नहीं हुए तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा अब क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग आता है कि सर जो अंडरटेकिंग हमने बेचा उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपने बोला एफ एमवीनवी लेने का एज पर रूल नंबर इलेवन यू तो यह एफ एम वी कैल्कुलेट करते कैसे यह सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ध्यान रखना एफ एम वी एस पर इलेवन यू ए कैलकुलेट कैसे करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है जिस डेट को ट्रांसफर हुआ स्लम सेल की डेट है उस डेट को दो एफ एम वी निकालनी पड़ेगी एफ एम वी वन एंड एफ एम वी टू और इन दोनों में से विच एवर इज हायर वाला है वो एफ एमवी आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनेगा एफ एम वी वन एंड एफ एम वी टू विच एवर इज हायर लेकिन सर एक बात बताओ एफ एम वी वन किस बोलेंगे एफ एम वी वन बोलेंगे जो अंडरटेकिंग आप ट्रांसफर कर रहे हो जैसे मान लो टाइटन ने तनिश को ट्रांसफर किया तो की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है वो होगी एफ एम वी वन एफ एम वी टू क्या होगा कि जो आपको मिल रहा है ना बाबू इन रिटर्न पैसा क्या मिल रहा है आपको पैसा मिल रहा है कुछ शेयर मिल रहा है गोल्ड मिल रहा है बिल्डिंग मिल मिल रही है, क्या मिल रही है है क्या जो आपको हो रहा है, उसकी एफ एम वी वो होगी एफ एम वी टू आपको क्या करना टू में से विच एवर इज हायर है वो आपको लेना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब एक और चीज समझना सर आप बोल रहे हैं एफ एम वी वन एंड एफ एम टू तो एफ एम वन का मतलब जो अंडरटेकिंग आप बेच रहे हो उसकी एफ एम बट वो कैसे निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला उसमें एक काम करिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस एल कर दीजिए लेकिन सर यहां ए का मतलब क्या बी का मतलब क्या सी का मतलब क्या डी का मतलब क्या एल का मतलब क्या बड़ा सिंपल है तो देखो सबसे पहले आप एक काम करो का मतलब आपके पास जो बैलेंस शीट में जो असेट्स है उस असेट्स का बुक वैल्यू ले लीजिए लेकिन बेटा टेन असेट्स को छोड़ के अब आप बोलोगे टेन असेट्स कौन कौन सी छोड़ दी है टेन असेट शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी इन असेट्स को आप छोड़ दो मैंने क्या बोला आप एक काम करिए पहले बैलेंस शीट ले लीजिए और तनिष्क का जो भी असेट साइड में असेट है वो असेट की बुक वैल्यू लीजिए लेकिन टेन असेट्स को छोड़ना है कौन कौन सी असट को छोड़ना है शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट बुलियन एंड उसके साथ में इमूवेबल प्रॉपर्टी एक बात सब बताऊं ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है ना उनको आर्टिस्टिक वर्क भी बोलते हैं तो आप इस टेन असेट्स को छोड़ के बाकी जितनी भी असेट्स है उसकी आप बुक वैल्यू ले लीजिए लेकिन एक चीज ध्यान रखना जब आप असेट्स लेते हैं असेट्स में आपको दो असेट नहीं लेनी एक तो जो आपने इनकम टैक्स पे किया है मीन टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स नहीं लेना लेकिन अगर कोई इनकम टैक्स रिफंड आता है तो वो लेना है

के टेन असेट्स को छोड़ दीजिए उसके बाद जितनी भी असेट्स है उसका बुक वैल्यू लीजिए बुक वैल्यू यहां डब्ल्यू डीबी वगैरह नहीं है बुक वैल्यू लीजिए करके ठीक है बुक वैल्यू लीजिए एंड जो ये टेन असट है उनकी आप एसडीवी एफ एम ले लीजिए उसमें से लाइबिलिटीज को लेस कर दीजिए जो भी लाइबिलिटीज है वो लाइबिलिटीज को आप बुक वैल्यू पे लेस करिए लेकिन एक चीज समझना कुछ लाइव कुछ चीजें हैं ऐसी जो लाइबिलिटीज में नहीं आएगी क्या क्या नहीं आएगा एक तो तुम्हारा पेडअप इक्विटी शेयर कैपिटल है पेडप इक्विटी शेयर कैपिटल लाइबिलिटी नहीं है लेकिन प्रिफरेंस शेयर कैपिटल है तो लाइबिलिटी में आएगा यहां पे ध्यान रखना दूसरा अगर कोई भी आपने डिविडेंट है वो प्रपोज डिविडेंट वगैरह बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में डाल रखा है वो लाइबिलिटी नहीं है लेकिन अगर मान लो आपने ऑलरेडी एजीएम में डिक्लेयर कर दिया है ट्रांसफर की डेट में स्लम सेल की डेट से पहले एजीएम हो चुकी है और एजीएम में अगर कोई डिविडेंट डिक्लेयर कर दिया है तो वो तुम्हारी लाइबिलिटी में आ जाएगा उसको फिर लाइबिलिटी ले लेंगे तीसरा रिजर्वेंट सरप्लस है वो लाइबिलिटी नहीं है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है वो लाइबिलिटी नहीं है उसके बाद प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लाइबिलिटी या कंटीजेंट लाइबिलिटी है वो तुम्हारी लाइबिलिटी में नहीं आएगी तो इनको अपन लाइबिलिटी नहीं लेंगे बाकी लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू पे आप लेस कर दीजिए तो आपको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस एल तुम्हारी एफ एम वी बना जाएगी अब एफ एम टू क्या होती है एफ एम टू का मतलब आपने जब कोई भी अंडरटेकिंग बेचा कोई सेगमेंट बेचा तो रिटर्न में क्या मिला उसकी एफ एम निकालनी उसके लिए होता है e F G H. E का मतलब आपको जो पैसा मिला तो मॉनेटरी कंसिडरेशन मिला उसकी वैल्यू ले लीजिए एफ और जी का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो आपको कोई ऐसी असेट मिली है जो जैसे शेयर मिला सिक्योरिटी मिला आपको कोई क्रिप्टो करेंसी मिला तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकाल दीजिए तो जिसके लिए अगर वैल्यूशन रूल प्रिस्क्राइब है उसके लिए एप बोलते हैं और जी में अगर कुछ ऐसी एसेट मिली जिसके लिए वैल्यूशन रूल प्रिस्क्राइब नहीं है जैसे क्रिप्टो करेंसी के लिए वैल्यूशन रूल प्रिस्क्राइब नहीं है तो आप एक काम करिए उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लीजिए एज पर वैल्यू रिपोर्ट एंड एच का मतलब आपको जो इमोवेबल प्रॉपर्टी मिला उसका स्टेम ड्यूटी वैल्यू ले लीजिए तो इसकी टोटल करिए जो भी आएगा तो FMV1, जो भी हायर रहेगा, वो आपका क्या बन जाएगा विच एवर एज हायर रहेगा वो हायर वाला अमाउंट है वो आपका बन जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यू गॉट माई पॉइंट बोल रहा हूं आपको जो पैसा मिला ऐसी असेट जिसका वैल्यूएशन रूल्स दे रखा है उसकी एफ ले लीजिए ऐसी असेट जिसका वैल्यूशन रूल्स नहीं दे रखा वो असट मिली है उसकी भी एफ ले लीजिए एज पर वैल्यू रिपोर्ट एंड अगर इनमोअल प्रॉपर्टी मिला तो उसका एसडी भी ले लीजिए टोटल कर दीजिए वो आपका आ हो जाएगा एफ एम डन अब ये स्लम सेल वाला याद रखोगे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और बहुत बार हो सकता है दस दस मार्क है वो कवर करता है एक और चीज समझना जब भी स्लम सेल का क्वेश्चन आता है ना बहुत बार एग्जामिनर आपको यही ये भी पूछता है कि स्लम सेल में तो टैक्स लग रहा है ऐसा कोई तरीका बताइए कि टैक्स ना लगे और आप अंडरटेकिंग को बेच दो तो आप हमेशा दो एडवाइस करके आएंगे एक तो एडवाइस ये करेंगे क्योंकि एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन फ्रेम करेगा ना वो हमेशा ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करेगा कि एक कंपनी दूसरी कंपनी का ऑलरेडी 80, 90 परसेंट सेवेंटी परसेंट होल्ड कर रहा है तो आप आंसर में ये लिखेंगे कि जब 80, 90, 70 परसेंट होल्ड कर रहा है तो भैया आप जो भी है लाइक like 30, 20, 10 परसेंट है उतना और इक्विटी शेयर खरीद लीजिए तो दोनों 100 परसेंट होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप हो जाएगा और 100 परसेंट होल्डिंग सब्सिडी की रिलेशनशिप में अगर कोई भी कैपिटल अटेट अगर ट्रांसफर की जाती है तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाता उसमें कैपिटल गेन नहीं लगता दूसरा आप एडवाइस ये कर सकते हैं कि स्लम सेल की जगह आप डी मर्जर कर लीजिए बिकॉज इंडिया में डीमर्जर है वो टैक्स फ्री है अभी आपने देखा डीमर्जर हुआ था रिलायंस में से जियो हट गया था

सेलिंग प्राइस है उससे ज्यादा एस है बाय वन हंड्रेड एंड टेन परसेंट तो तो ट्रांसफर किया केस और वैल्यूशन ऑफिसर ने अगर बढ़ा दिया तो भाई वैल्यूशन ऑफिसर की वैल्यू को इग्नोर करना बट वैल्यूशन ऑफिसर ने अगर वैल्यू को कम कर दिया तो उसमें

एंड अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले कुछ ना कुछ पैसा मिल गया हो बाय अकाउंट पे चेक अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट तो बेटा यहां एस अग्रीमेंट की डेट का एसडीवी ले सकता है उसके पास ऑप्शन है तो मैंने क्या बोला नॉर्मली एस आपको रजिस्ट्रेशन की डेट का लेना है बट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डेट ऑफ अग्रीमेंट अगर अलग अलग है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ अग्रीमेंट अगर अलग अलग है और अग्रीमेंट की डेट या उससे पहले पहले कुछ ना कुछ पैसा मिल गया हो इवन एक रुपया मिल गया हो बाय अकाउंट पे चेक अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लेनिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट तो उस पर्टिकुलर केस में आप अग्रीमेंट की डेट की एसडीवी का बेनिफिट ले सकते हैं यहां पर बेटा यहां एनी अदर मोड इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या क्या आएगा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग आईएमपीएस भीम यूपीआई क्यूआर कोड आरटीजीएस एंड तुम्हारा एनईएफटी ये तुम्हारे आ जाएगा अब एक और चीज समझना एक सेक्शन होती है फिफ्टी सी ए करके फिफ्टी सी ए क्या बोलती है कि अगर कोई भी पर्सन है जो अनलिस्टेड कंपनी के शेयर बेचता है अनकोटेड शेयर मीन अनलिस्टेड कंपनी के शेयर बेचता है और अनलिस्टेड कंपनी के शेयर बेचता है और उसका जो सेलिंग प्राइस है उससे ज्यादा अगर फेयर मार्केट वैल्यू है सेलिंग प्राइस से ज्यादा फेयर मार्केट वैल्यू है तो वो फेयर मार्केट वैल्यू ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा तो आपने किसी अनलिस्टेड कंपनी जैसे बीबी वर्चुअल के शेयर मैंने बेच दिए और अगर मान लो मेरा सेलिंग प्राइस है वो एफ से कम है तो एफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा लेकिन एक चीज समझना यह सेक्शन नहीं लगेगी अगर कोई भी ऐसी कंपनी के अनलिस्टेड शेयर है जिस कंपनी के केस में सेक्शन टू 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 फोर्टी वन ऑफ द कंपनीज एक्ट लग चुका है इसका मतलब कंपनी का मैनेजमेंट है वो करप्ट हो गया था उसका केस है वो एनसीएलटी को चला गया है एनसी गवर्नमेंट ने क्या किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया और यहां पे न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह अपॉइंट करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में यह सेक्शन नहीं लगेगी उसके बाद एक सेक्शन होती है फिफ्टी डी फिफ्टी डी क्या बोलती है बहुत बार अगर कोई कैपिटल आप ट्रांसफर करते हो और वो कैपिटल अट का कंसिडरेशन डिटर्मिनेबल नहीं है कंसिडरेशन पता ही नहीं चल रहा है कि कंसिडरेशन क्या है जैसे मान लो मैंने मेरी गोल्ड चेन है वो आपको ट्रांसफर कर दी और मैं जब तक जिंदा हूं आपके घर पे खाना खाऊंगा तो खाना खाऊंगा ये कंसिडरेशन है बट खाना खाऊंगा

लेकिन जब भी आप उस असेट को बेचोगे उस टाइम कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मींस जो भी उस असेट की कॉस्ट थी या अगर असेट वन फोर टू थाउजेंड वन से पहले थी तो एफ एम लिया होगा एफ एम बी या असेट के केस में डब्ल्यूडीवी उसमें से आपको लेस करना है लेकिन लेस करना है बिफोर इंडेक्सेशन पहले आप लेस कर दीजिए और उसके बाद में आप इंडेक्सेशन करिए करके ठीक है लेकिन एक और चीज समझना ये एडवांस मनी फोरफिटेड अगर प्रेजेंट ओनर ने किया था तो ही लेस होगा अगर किसी प्रीवियस ओनर ने एडवांस मनी फोरफिड किया था तो लेस करने की जरूरत नहीं है अब यहां पर एक बात बताऊं ये सेक्शन इलॉजिकल थी और ये सेक्शन इलॉजिकल थी उसके लिए मेकर्स ने क्या किया एक सेक्शन डाली गई फिफ्टी करके और ये सेक्शन 5629 ये बोलती है कि अगर कोई एडवांस मनी फोरफिड करता है 14 के बाद में तो बेटा सीधा आई में टैक्सेबल कर दो इन द ईयर ऑफ फोरफ्यूचर जिस ईयर में आप फोरफेड करते हो उस ईयर में सीधा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर दो 5629 के हिसाब से तो ये तुम्हारी इंटरेस्टिंग सेक्शन है जो अभी ध्यान रखनी है तो देखो यहां पर दोनों चीजें याद रखनी है कि अगर एडवांस मनी वन फोर से पहले वाला है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस कर दो और वन फोर के बाद वाला है, तो सीधा आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर दो यू गॉट माय पॉइंट और नॉट यस नेक्स्ट कॉन्प्ट आता है कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो ट्रांसफर नहीं माने जाते और उसमें कैपिटल गेन नहीं लगता सर कौन कौन से ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो ट्रांसफर नहीं माने जाते कैपिटल गेन नहीं लगता सबसे पहले अगर मान लो कोई भी एच का पार्टीशन हो जाता है और पार्टीशन के टाइम पे अगर मेंबर को बांट दी जाती है तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाता कैपिटल गेन नहीं लगता दूसरा अगर मान लो आप किसी भी असेट को किसी को गिफ्ट में दे देते हो विल में दे देते हो इे ट्रांसफर कर देते हो तो यह ट्रांसफर नहीं माना जाता कैपिटल गेन नहीं लगा लेकिन एक चीज समझना यहाँ पे एक एंटिक पॉइंट है वो एंटिक पॉइंट ये अगर नॉर्मली क्या होता है कोई भी असेट आप किसी को गिफ्ट में दो विल में दो इर ट्रांसफर में दो कैपिटल गेन नहीं लगेगा ट्रांसफर नहीं माना जाएगा लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है अगर आपको ईसोप e में शेयर मिला था और वो ईसोप e का शेयर आपने किसी को गिफ्ट दे दिया या स्वेट इक्विटी शेयर मिला था और वो आपने किसी को गिफ्ट दे दिया ना तो उस पर्टिकुलर केस में कैपिटल गेन लगेगा अब आप बोलोगे सर ईसोप का शेयर मैंने किसी को गिफ्ट दे दिया कैपिटल गेन लगेगा बट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा ये तो गिफ्ट है तो यहां पे लॉ मेकर्स बोलते हैं एक सिक्स प्रोवाइजर टू सेक्शन 48 है वो ये बोलता है कि जो एफ एम एज ऑन द डेट ऑफ गिफ्ट है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा और उस कैपिटल गेन लगेगा अब एक और चीज समझना अगर कोई भी होल्डिंग कंपनी है वो अपनी हंड्रेड परसेंट कंपनी को असर ट्रांसफर करती है कैपिटल गेन नहीं लगेगा बट जो ट्रांसफरी कंपनी में सब्सिडरी कंपनी है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए हंड्रेड पर होल्डिंग चार ट्रांजैक्शन कौन कौन से एक तो एच का पार्टीशन गिफ्ट वाला होल्डिंग सब्सिडी सब्सिडरी होल्डिंग ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा लेकिन एक बात बताओ सर अगला वाला पर्सन फिर उस एसेट को बेचेगा तो क्या होगा कॉस्ट किसकी लेगा कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर

रेट्रोस्पेक्टिवली उसका असेसमेंट खुलेगा रेक्टिफिकेशन होगा और रेक्टिफिकेशन होने के बाद जो ट्रांसफर कंपनी है उसके हाथ में कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा उस ईयर में जिस में वो ट्रांसफर हुआ था अब एक बात समझो अगर उसको टैक्स लग चुका है ट्रांसफर कंपनी को तो फिर कंपनी उस अट को अगर फ्यूचर में बेचती है तो कॉस्ट फिर प्रीवियस ओनर का नहीं लेंगे फिर जितने में खरीदा था वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा अब एक कॉन्सेप्ट आता है अमल गमेशन वाला करके ठीक है

अब एक चीज समझना अगर कोई दो फॉरेन कंपनी है उनका जो है वो अमल कमीशन हो रहा है और वो क्या कर रहे हैं करके ठीक है वो दो जो फॉरेन कंपनी है उनका अमल कमीशन हो रहा है और उन दो फॉरेन कंपनी के पास मान लो या तो किसी के है, या किसी तीसरी वैल्यू इंडियन होता है, हो है तो बट दो कंडीशन होल्डर है, है वो नई कंपनी के शेयर होल्डर बनने चाहिए और जिस ईयर में जिस कंट्री में यह अमल हो रहा है उस कंट्री में टैक्स उस पर नहीं लग रहा है, ठीक है उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि अगर कोई भी बैंकिंग कंपनी है वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ में अमलगमेट हो जाती है जैसे वगैरह का अमलगमेशन हुआ था स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एंड ऑल एंड ऑल ये सब एसबीआई में, में क्या होता है? जो पुरानी कंपनी का शेयर होल्डर होता है जैसे वोडाफोन आइडिया का जो शेयर होल्डर था उसको वीआई के शेयर मिले तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा एक और चीज होता है कि जब भी डीमर्ज कंपनी होती है रिजल्टिंग कंपनी को जोट ट्रांसफर करती है वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा जैसे एग्जांपल के लिए रिलायंस ने मान लो जियो फाइनें को जो असेट ट्रांसफर की उस पर ट्रांसफर नहीं माना गया कैपिटल गेन नहीं लगेगा अब एक बात समझना या फिर मान लो कोई दो फॉरेन कंपनी कोई फॉरेन कंपनी है उसका डीमर्जर हो रहा है और जो डीमर्जर हो रहा है उसमें फॉरेन कंपनी क्या कर रही है किसी इंडियन कंपनी के शेयर ट्रांसफर कर रही है या किसी भी फॉरेन कंपनी के शेयर ट्रांसफर कर रही है जो फॉरेन कंपनी अपने शेयर की वैल्यू है वो इंडियन असेट से डिराइव कर रही है तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा लेकिन उसमें कंडीशन है कि सेवेंटी है वो डीमर्स कंपनी के शेयर होल्डर जो है वो रिजल्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर बनने चाहिए और जिस कंट्री में वो डीमर्जर हो रहा है उस कंट्री में कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है अब एक और चीज समझना जब डीमर्जर में जो शेयर होल्डर होता है उसको रिजल्टिंग कंपनी के शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है तो उसको उस पर नहीं लगेगा जब शेयर मिल रहा है तो उस टाइम पर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा अब एक ही आता है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है।, है इंडिया के बाहर नॉन रेजिडेंट है वो इंडिया के बाहर एक नॉन रेजिडेंट किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को किसी भी इंडियन कंपनी का बॉन्ड्स या जीडीआर ट्रांसफर करता है या इंडियन कंपनी का रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्स ट्रांसफर करता है या कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांसफर करता है जिससे पीरियोडिकल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को इंडिया के बाहर ट्रांसफर किया तो यह ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा तो क्या बोला मैंने कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है वो दूसरे नॉन रेजिडेंट को इंडिया के बाहर इंडियन कंपनी का बॉन्ड्स या जीडीआर ट्रांसफर करता है रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ट्रांसफर करता है या गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांसफर करता है जिसपे पीरियोडिकल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंडिया में ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा अब एक चीज समझना अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और वो नॉन रेजिडेंट क्या करता है इंडिया में आई में लोकेटेड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जो गांधीनगर में है आई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर गिफ्ट सिटी जिसको बोलते हैं अपन कोई नॉन रेजिडेंट है वो आई में लोकेटेड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है उसमें अगर ये कुछ असेट ट्रांसफर करता है और उसका कंसिडरेशन फॉरेन करेंसी में मिलता है तो उस पर ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा कौन कौन सी असेट ट्रांसफर करता है या तो बॉन्ड्स या जीडीआर ऑफ इंडियन कंपनी या फिर डेरिवेटिव्स या फिर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी या फिर फॉरन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स या फिर फॉरन करेंसी डिनोमिनेटेट इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी या म्यूचुअल फंड बिजनेस ट्रस्ट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की यूनिट या बुलियन डिपोजिटरी रिसिट अगर यह असेट ट्रांसफर करता है एक नॉन रेजिडेंट इंडिया में आई में लोकेटेड रिकग्नाइड स्टॉक एक्सचेंज में और उसको जो पैसा मिल रहा है वो

एंड शेयर होल्डर उसी रेशियो में बनने चाहिए जिस रेशियो में इधर उनका कैपिटल अकाउंट था जो जिस रेशियो में कैपिटल अकाउंट था उसी रेशियो में वहां जाकर शेयर होल्डर बनने चाहिए तीसरी कंडीशन पार्टनर को वहां सिर्फ शेयर मिलने चाहिए और कुछ भी नहीं मिलना चाहिए और पार्टनर जो शेयर होल्डर बने उस कंपनी में उनका इक्विटी शेयर होल्डिंग अगले पांच साल तक है वो फिफ्टी से कम नहीं होना चाहिए नेक्स्ट फाइव ईयर तक फिफ्टी से कम नहीं होना चाहिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी में ट्रांसफर हो जाती है ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा ऐसे का ऐसे अगर कोई प्रोपराइटरी बिजनेस है वो कंपनी में बदल जाता है तो ट्रांसफर पर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा कंडीशन है तो तीन है पहली कंडीशन ऑल अटल एंड लाइबिलिटी ट्रांसफर होना चाहिए पार्टनर को सिर्फ वहां से मिलना चाहिए और पार्टनर का इक्विटी शेयर होल्डिंग उस कंपनी में फिफ्टी से कम नहीं होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट फाइव ईयर अब एक और चीज समझना सेम पैसा होता है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पहले एओपी बीवाई हुआ करते थे बी एंड ऑल अभी क्या है कंपनी है तो वो भी अगर ट्रांसफर करते तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा और रिकॉग्नाइड स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप मान लो पहले क्या थे ये मेंबर थे एओपी के मेंबर थे मोतीलाल ओसवाल वगैरह अब क्या है बीएससी के शेयर होल्डर है तो जब वो मेंबर से शेयर होल्डर बने उनको शेयर्स मिला ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग राइट मिला तो उस टाइम पे ट्रांसफर नहीं

कि उस कंपनी के ऑल एंड लाइबिलिटीज है वो ट्रांसफर होने चाहिए एलएलपी को दूसरी कंडीशन है उस कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर है वो जाके वहां एलएलपी में पार्टनर बनने चाहिए और शेयर होल्डिंग पैटर्न जो था उसी रेशियो में वहां पे पीएसआर मिलना चाहिए तीसरी कंडीशन यह है कि शेयर होल्डर को सिर्फ एंड सिर्फ उधर पी मिलना चाहिए कैपिटल मिलना चाहिए उसके अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए चौथी कंडीशन यह है कि जो शेयर होल्डर वहां जाके एल में पार्टनर बने उनका वहां पर पीएसआर नेक्स्ट ईयर तक फिफ्टी नेक्स्ट फाइव ईयर तक फिफ्टी से कम नहीं होना चाहिए एक और कंडीशन यह है कि जो ये छोटी छोटी ना इसका लास्ट के तीन साल में जिस ईयर में सक्सेशन हो रहा है उस ईयर को छोड़ दो उसके पिछले तीन साल में किसी भी ईयर में टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए लास्ट के तीन साल में उसकी जो टोटल असेट है वो असट की वैल्यू है वो बुक वैल्यू आपकी फाइव करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एंड गाइस जिस डेट डेट को को सक्सेशन हुआ उस को जितना सरप्लस में पैसा पड़ा था नेक्स्ट थ्री तक आप उसको पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे अगर यह ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो छोटी छोटी कंपनियां अगर एलएलपी में कन्वर्ट हो जाती है तो यह ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा लेकिन गाइज इसमें अगर कोई वायलेशन हो गया तो पुरानी एंटिटी ने जितना टैक्स नहीं भरा था उतना टैक्स है वो न्यू एंटिटी को भरना पड़ेगा उस ईयर में जिस ईयर में वायलेशन हुआ अब एक और बहुत बार क्या होता है कुछ सिक्योरिटी का कन्वर्जन होता है कैसे आपने देखा होगा कन्वर्टेबल डिवेंचर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड ऑल

फिजिकल गोल्ड बिस्किट बिस्किट बोलते हैं अपन लोग तो फिजिकल जो गोल्ड है उसको अगर आप चाहो तो ई वॉलेट में डाल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में आपके पास अगर कोई फिजिकल गोल्ड था उसको कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिक गोल्ड रिसिट में तो उस टाइम पर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा लेकिन सर फ्यूचर में अगर ईजीआर बेच दिया तो कॉस्ट किसका लेंगे फिजिकल गोल्ड का पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से

मतलब स्टॉक स्कीम हो, हो सकता है आप कुछ कमीशन कुछ चार्ज करते हो तो स्टॉक लैंडिंग करते हो वो ट्रांसफर नहीं माना जाता उसमें कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा एक और चीज समझना अगर आपके पास में ड्रॉइंग या है और वो आप क्या करते हो किसी भी या तो गवर्नमेंट को बेच देते हो अपने या फिर किसी यूनिवर्सिटी को बेचते हो नेशनल म्यूजियम को बेचते हो नेशनल आर्ट गैलरी को बेचते हो नेशनल आर्काइव को बेचते हो या किसी पब्लिक नोटिफाइड म्यूजियम को बेचते हो तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा अगर जो सीनियर सिटीजन होता है सीनियर सिटीजन क्या करता है अपनी प्रॉपर्टी है वो मान लो बैंक को रिवर्स मॉर्गेज में ट्रांसफर करता है तो उस पर्टिकुलर केस में यह ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा और रिवर्स मॉर्गेज में बैंक जो होती है ना वो आपको जो पैसा देती है लमसम में या फिर इंस्टॉलमेंट में जो पैसा दे रही है वो पूरा एक्सेंट होता है अंडर सेक्शन टेन पॉइंट नंबर फोर्टीन है वो आपको

अपने जो सेबी है उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए म्यूचुअल फंड की बहुत सारी स्कीम है ना उसको कंसोलिडेट कर लो जैसे ए और बी दो स्कीम था उसको मिला के या तो सी बना दो या फिर आप ए को बी के साथ मर्ज कर लो बी को सी के साथ मर्ज कर लो दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम तो अगर आप कंसोलिडेशन ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम करते हो तो आप जो यूनिट होल्डर हो आपको पुरानी स्कीम की यूनिट के बदले नई स्कीम की यूनिट मिल जाएगी तो जब नई स्कीम की यूनिट मिलती है तो यह ट्रांसफर नहीं माना जाएगा इसमें कैपिटल गेन नहीं लगेगा लेकिन जब भी नई स्कीम की यूनिट को आप बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा आंसर इज इस कॉस्ट किसका लेंगे पुरानी स्कीम की यूनिट का पीरियड ऑफ होल्डिंग पुरानी स्कीम की यूनिट से और इंडेक्सेशन अगर होता है तो पुरानी स्कीम की यूनिट से लेकिन एक चीज समझना यहां पे कंसोलिडेशन इक्विटी इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम का इक्विटी इक्विटी के साथ होना चाहिए या डेट डेट का डेट डेट के साथ होना चाहिए तो ही आपको एग्जemption मिलेगा अदरवाइज एग्जemption नहीं मिलेगा एक और कांसेप्ट आता है कि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे प्लान्स होते हैं जैसे एक स्कीम होती है उस स्कीम के अंदर बहुत सारे प्लान है जैसे ग्रोथ प्लान है डिविडेंड प्लान है इनकम प्लान है तो स्कीम के अंदर जो प्लान है अगर मान लो अंदर के प्लान प्लान का मर्जर हो जाता है कंसोलिडेशन हो जाता है तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा लेकिन सर एक बात बताओ जब प्लान का मर्जर हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसका लेंगे पुराने प्लान का अगर मान लो मर्जर हो गया तब कैपिटल गेन नहीं लगेगा लेकिन फ्यूचर में जब नए प्लान की यूनिट को बेचोगे तो कॉस्ट किसका लेंगे पुराने प्लान की यूनिट का पीरियड ऑफ होल्डिंग पुराने प्लान की यूनिट्स और इंडेक्सेशन होता है तो पुराने प्लान की यूनिट का लेकिन यहाँ पे जो कंसोलिटेशन के टाइम पे टाइम्शन मिलेगा वो एग्जामेशन तभी मिलेगा जब जो स्कीम है ना एक स्कीम स्कीम उस इस्चीम के अंदर के प्लान का मर्जर हो रहा है आपस में तो ही एक्जन मिलेगा अदरवाइज एग्जेक्शन नहीं मिलेगा इसके बाद पॉइंट नंबर आप छोड़ सकते हो काम का है नहीं उसके बाद में एक चीज बताना यहां जितने भी अपन ने एग्जेमशन वगैरह पढ़े जैसे मान लो अपन ने सक्सेशन वगैरह पढ़ा था कि प्रोपराइटर से कंपनी कंपनी से छोटी छोटी कंपनी से एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म से कंपनी तो सर वो उस टाइम तो कैपिटल गेन नहीं लगा फ्यूचर में क्या कैपिटल गेन लगेगा तो जब भी नया एस उसको बेचेगा तो कैपिटल गेन लगेगा कॉस्ट किसका लेंगे प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर इंडेक्सेशन प्रीवियस ओनर से एज पर द मंजुला जे शाह अब एक बात समझना एक कॉन्सेप्ट आता है सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो या साइड पॉकेटिंग ये सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो या साइड पॉकेटिंग क्या होता है कि बहुत बार डेट म्यूचुअल फंड में डेट म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी असेट है मीन म्यूचुअल फंड कंपनी के पास में जो असेट होती है वो बैड हो जाती है तो बैड हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि जो बैड ना उसके लिए एक अलग पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाता है दैट इज कॉल्ड सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो जैसे अपन एक एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो म्यूचुअल फंड है उस म्यूचुअल फंड के पास में टोटल जो है वो टेन लैख ,00 की असेट थी और टेन लेख ,00 की असेट थी और उसके पास मान लो फॉर एन एक्साम्पल यहां पर टेन यूनिट थी थाउजेंड यूनिट है और टेन लाख की असेट है तो यहां पे एक बात बताइए एक यूनिट का एन कितना आया हंड्रेड आया एनएवी जो है वो हंड्रेड आया लेकिन हुआ क्या इस दिन मान लो टेन लैख की असेट में से दो लाख की असेट खराब हो गई टू लैख है वो बैड असेट है तो टू लेख की असेट है वो बैड असेट, तो असेट, असेट हो जाएगी तो आप एक काम करो ये म्यूचुअल फंड जो पोर्टफोलियो था इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है आपका टोटल पोर्टफोलियो है वो टेन लैक का है अब उसमें क्या होता है कि जो बेड असेट होती है उसका एक अलग पोर्टफोलियो बनाया जाता है, जिसको बोला जाता है और दो लाख की, की, की अलग से टेन थाउजेंड यूनिट इशू की जाएगी तो उसका एनएवी कितना ट्वेंटी जाएगा उसका एनएवी ट्वेंटी आएगा अब एक बात बताओ जो बाकी वाला जो अच्छा पोर्टफोलियो रहेगा जिसको मेन पोर्टफोलियो बोलेंगे मेन पोर्टफोलियो की असेट कितनी है एट और उसकी यूनिट कितनी है 10000 तो बेटा यहां पे आपका एटी का एनए भी आ जाएगा तो एक म्यूचुअल फंड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है सेग्रीगेट किया जाता है सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो जिसको साइड पॉकेटिंग बोलते हैं अब एक बात बताओ मैंने क्या किया पहले एक यूनिट खरीदी थी मैंने जो म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदी थी उस टाइम पे मेरा कॉस्ट है फॉर एन एग्जांपल ₹5 था अब मान लो मेरे पास में क्या हुआ फाइव रुपीज था म्यूचुअल फंड का अब आगे जाके मेरा म्यूचुअल फंड सेग्रीगेट हो गया तो मुझे सेग्रीगेट पोर्टफोलियो की भी यूनिट मिल गई और मेन पोर्टफोलियो की यूनिट तो मेरे पास आई हाँ है अगर मैं मेन पोर्टफोलियो की यूनिट को जब बेचता हूं तो मेरी कॉस्ट कैसे निकालेंगे तो यहां पर कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मुला दे रखा है कि मेरी देखो म्यूचुअल फंड यूनिट की कॉस्ट पांच था उस टाइम पे जो मेन पोर्टफोलियो है उसकी एनएवी कितनी है 80 और टोटल पोर्टफोलियो की एनएवी कितनी है 100 तो फोर रुपीज है ना वो मेरे मेन पोर्टफोलियो की यूनिट का कॉस्ट बनेगा और वन रुपीज सेग्रीगेट पोर्टफोलियो की यूनिट का कॉस्ट बनेगा तो अगर मेन पोर्टफोलियो की बेचूंगा, उसकी है वो फोर लेंगे। और सेग्रीगेट पोर्टफोलियो की बेचूंगा, उसकी है वो रुपीज वन लेंगे। यहां पे आप समझोगे एक्साम्पल दे रखा आपको समझ में आ जाएगा चलिए अब कैपिटल गेन कैपिटल गेन में सबसे पहली सेक्शन होती है वो सिर्फ इंडिविजुअल एच केस में लगती है ये सेक्शन है कि अगर कोई इंडिविजुअल कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर करता है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना है जिस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए आपको खरीदना क्या है वन रेसिडेंशियल रेसिडेंशियल हाउस हाउस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी इन इंडिया 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 जो बेच रहे term, बेच रहे रहे हो हो वो वो लॉन्ग टर्म में है है के बाहर चलेगा लेकिन आप खरीद रहे हो वो इंडिया में खरीदना चाहिए एक ही घर खरीद सकते हो लेकिन गाइज यहां पर कुछ ईयर पहले मीस पांच साल पहले टू थाउज नाइनटीन आया था और वो अमेंडमेंट यह बोलता है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो अप टू करोड़ है तो आप दो नए घर खरीद सकते हो टू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हो इफ यूर लॉन्ग टर्म कैपिटल अपू टू, टू करोड़ अब एक चीज समझना नया रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपको कब तक परचेस करना है या कब तक कंस्ट्रक्ट करना है तो ये बोलते हैं कि जब भी पुराना घर आपने बेचा अगर परचेज की बात करेंगे तो माइनस वन प्लस टू में आपको परचेज करना है या कंस्ट्रक्ट कर रहे तो माइनस वन में आप स्टार्ट कर सकते हो कंस्ट्रक्शन बट कंप्लीट होना चाहिए प्लस थ्री के अंदर अंदर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए सो न्यू हाउस प्रॉपर्टी शुड बी परचेज ट्रांसफर और परचेज विद इन टू आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर और कंस्ट्रक्टेड विद इन थ्री द डेट ऑफ ट्रांसफर लेकिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए तो यहां पर टाइम लिमिट हम लोग माइनस वन प्लस टू प्लस थ्री का टाइम लिमिट बोलते हैं इस टाइम में अगर आपका घर परचेज कंस्ट्रक्ट हो जाता है तो आपको एग्जामेशन मिल जाएगी अब

आप परचेज कर रहे हैं वो 5, वो 10 करोड़ से ज़्यादा का कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम एक्समेशन यहां पे टेन करोड़ का ही ले सकते हैं इस सेक्शन में अब आप मैक्सिमम एग्जेमशन है वो टेन करोड़ का ही ले सकते फिफ्टी फोर में करके ठीक है मैक्सिमम एग्जेम्शन आप टेन करोड़ का ले सकते हैं अब एक और चीज समझना जो भी हाउस प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं

ऑफ थ्री के अंदर, अंदर ट्रांसफर कर दिया तो जितना एक्सामेशन पहले लिया था वो नए हाउस प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजेशन में से लेस हो जाएगा और उसके बाद फिर अगर इंडेक्स होता है तो इंडेस करेंगे नहीं होता है तो नहीं करते इंडेक्स कब करेंगे अगर टू ईय के बाद और विद इन थ्री इयर्स ट्रांसफर किया अगर विद इन टू इन किया तो इंडेक्स का सवाल ही नहीं आएगा अब एक और चीज समझना

ले सकते yes. हैं एक, है है. एक, एक घर है जिसमें मैं एक्सक्लूसिव ओनर हूं एक दूसरा घर है जिसमें हम तीन को ओनर है मान लो मैं आकाश सर और शुभम सर हम तीन को ओनर है दूसरे वाले घर में बट पहला वाला घर है जिसमें मैं एक्सक्लूसिव ओनर हूं अब एक बात समझता पहला वाला घर मैंने बेच दिया और दूसरे वाले घर में मैंने उनको बोला तुम भागो उनको उनसे मैंने उनका शेयर खरीद लिया तो भी क्या एग्जेम्शन मिल जाएगा आंसर इज यस एक्सम्पन मिल जाएगा चलिए उसके बाद एक सेक्शन आती है 54B. 54B ये बोलती है कि अगर मान लो आपके पास में कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड था जो आपने ट्रांसफर कर दिया और उस पैसे से आप रूरल एग्रीकल्चर लैंड या अर्बन एग्रीकल्चर लैंड खरीदते हैं तो एक्जशन मिल जाएगा यह सेक्शन इंडिविजुअल एच केस में लगती है इसमें आपको अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को तो ट्रांसफर करना है और वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो तो आपने एटलीस्ट टू ईयर्स तक एग्रीकल्चर पर्पज के लिए आपने या फिर आपके पेरेंट्स ने उसको एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज किया था वो एग्रीकल्चर लैंड आप ट्रांसफर करते हैं इस पर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोई भी कैपिटल गेन हो सकता है खरीदना क्या है अर्बन या रूरल एग्रीकल्चर लैंड कितने टाइम में विद इन द पीरियड ऑफ टू ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर तो बेटा आपको यहाँ पे एग्जामेशन मिल जाएगा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम जैसा मैंने फिफ्टी फोर में बताया था वैसा का वैसा कैपिटल गेन एक्जेमशन जैसा मैंने वहां बताया था वैसा का वैसा एंड गाइज लॉक इन पीरियड थ्री ईयर्स का जैसा मैंने बताया था वैसा का वैसा अब एक चीज समझना बहुत बार क्या होता है कि आपने जो नया

आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो भी एक्जेम्प ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ऐसा जरूरी नहीं लॉन्ग टर्म होना चाहिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोई भी कैपिटल गेन हो सकता है बट आप बोलोगे सर यहां पे तो एक कंडीशन है कि टू इयर्स तक आपको एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज करना है तो हमेशा लॉन्ग टर्म ही होगा ना ना बाबू देखो यहां पर कंडीशन है यूज का है ओन का नहीं है तो बहुत बार ऐसा हो सकता है पहले एग्रीकल्चर लैंड आपने भाड़े पर ले रखी थी और आपने लास्ट वन ईयर के अंदर अंदर ही खरीदी है और अब आपका जो है वो आप बेच देते हो तो उस पर्टिकुलर केस में आपको एग्जेम्पन मिल जाएगी इवन इट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहां पर कंडीशन यूज का है ना कि आप के ओन का यू गॉट माई पॉइंट ऑट नॉट यस आप नोट पढ़ोगे समझ में आ जाएगा आपने रेगुलर फास्ट फास्टैग बैच लिया था आपको समझ में आ जाएगा एक सेक्शन होती है फिफ्टी फोर डी फिफ्टी फोर डी है ना वो एनी पर्सन पे लगेगी मिस इंडिविजुअल एओपी सब पे लगती है ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर आपकी कोई इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग थी और वो इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग आपने एटलीस्ट टू इयर्स तक इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज किया था और वो गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है और उस उसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कोई भी कैपिटल गेन होता है आप क्या करते हैं उस पैसे से नया इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग है वो आप एक्वायर करते हैं तो आपको एग्जीबिशन मिल जाएगा लेकिन कब तक एक्वायर करना है विद इन द पीरियड ऑफ थ्री इय फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉम्पनसेशन जैसे ही कॉम्पेंेशन मिलेगा उसके तीन साल के अंदर अंदर है वो आपको नया इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग है वो परचेस या कंस्ट्रक्ट करना है आपको एक्समिशन मिल जाएगा बाकी जितने भी पॉइंट है वो जैसे 54 में पढ़ा था वैसा का वैसा अब एक इंटरेस्टिंग सेक्शन आती है 54 EC. 54 EC क्या बोलती है पहली चीज तो ये सेक्शन ऑल पे लगती है ये सेक्शन बोलती है कि आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको ट्रांसफर करो लैंड बिल्डिंग या बोथ है जिस पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है आपको करना क्या है आपको जो चार तरीके के गवर्नमेंट कंपनीज के बॉन्ड्स है उसमें से कोई भी बॉन्ड्स खरीदना है

उसको सिक्योरिटी रख के आप लोन नहीं ले सकते अगर आपने ऐसा किया तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि बेटा जो बॉन्ड्स बॉन्ड्स है है वो पे कैपिटल गेन आना है तो आएगा लेकिन जितना पहले आपने लिया था वो एक्जेम्पन विड्रॉ हो जाएगा और सीधा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस चलिए अब एक और चीज समझना यहां पर दो केस लो पहला केस लो यह मान लो आपने क्या किया एक हिंदुस्तान लिमिटेड दो का केस का वो ये बोलता है कि आपने बॉन्ड्स के लिए अप्लाई कर दिया था विद इन द सिक्स मंथ बट बॉन्ड जो अलॉट हुआ है वो सिक्स मंथ के बाद हुआ है क्या आपको एक्जेपन मिलेगा यानी आंसर इज यस मिल जाएगा आपने जब अप्लाई विद इन द दिक्कस मंथ कर दिया था भले वो बॉन्ड्स अलॉट हुआ है वो सिक्स मंथ के बाद हुआ है तो भी आपको एग्जेम्पन मिल जाएगा वी एस डेम्पो एंड लिमिटेड का केस लो ये बोलता है कि नॉर्मली देखो डेप्रिशियबलट है ना वो शॉर्ट टर्म हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है डेप्रिशिए के, के केस में लेकिन गाइज एक्जेम्पन पर्पज के लिए अगर कोई डेप्रिशिएबल असेट ऐसी है जो दो साल से ज्यादा आपने होल्ड की है या तीन साल से ज्यादा तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल से मानी जाएगी और इसमें एक्जेम्शन मिल जाएगा जैसे मान लो आपकी कोई बिल्डिंग है जो बिजनेस में यूज होती थी तो उस पर कैपिटल गेन तो हमेशा शॉर्ट टर्म होगा लेकिन वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो बिल्डिंग है वो अगर टू ईयर से ज्यादा होल्ड किए तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ एक्जेम्पन और उस पर आप फिफ्टी फोर ईसी का एजेंशन ले सकते हैं एक एक्जेंशन होती है फिफ्टी फोर एफ की फिफ्टी फोर एफ की एक्जेंशन है वो सिर्फ इंडिविजुअल के केस में लगती है और यह ये एग्जेम्शन ये बोलती है कि अगर मान लो आप कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बेचो कुछ भी बेचो शेयर बेचो ज्वेलरी बेचो लैंड बेचो कुछ भी बेचो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के बाकी कुछ भी कैपिटल असेट बेचो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट जिसपे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए और आप वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया खरीदो हम आपको एग्जेम्पन दे देंगे टाइम लिमिट क्या है सेम जैसा 54 में पढ़ा था माइनस वन प्लस टू प्लस थ्री यहां पे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम लगेगा आंसर यस बट कितना मिलेगा एक्सम्पन का थोड़ा यहां मेथड अलग है एक्जेंशन कितना मिलेगा कि जो पुराना असेट बेचा अगर उसका नेट कंसिडरेशन पूरा यूटिलाइज कर दिया तो कैपिटल तो गेन पूरा एक्जेंट है

क्वेश्चन करेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा अदरवाइज नहीं आएगा ये पॉइंट क्या बोलता है कि जैसे मान लो आपने प्रॉपर्टी बेचा था प्रॉपर्टी बेचा तो उसमें जो है मान लो आपने एक लैंड बेचा तो लैंड बेचा और आपको खरीद रहे हो घर खरीद रहे हो होग्जेपन मिलेगा 54 फोर एप में आंसर इज यस अब आपने जब लैंड बेचा और उसका एसडीबी ज्यादा था तो एसडीबी ज्यादा था तो आपका नेट कंसिडरेशन है वो फिफ्टी की वजह से फिफ्टी फोर नॉट फिफ्टी फोर फिफ्टी सी की वजह से एसडीबी है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आया होगा और वो नेट कंसिडरेशन भी बढ़ गया होगा अब एक बात बताओ एक्जेम्पन क्लेम करते टाइम आप जो है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो नेट कंसिडरेशन जितना यूज कर सकते हो मिस पैसा कहीं से भी लाया हो अल्टीमेटली मैं बताऊं ना ये केस लो आपको तभी समझ में आएगा एक कंपाइलर का क्वेश्चन है वो जब आप देखोगे जिसमें गोली महादेव पा मैंने पॉइंट दे रखा है तब समझ में आ जाएगा अब एक बात समझता ये सेक्शन में दो एडिशनल कंडीशन और है दो एडिशनल कंडीशन क्या है पहली कंडीशन तो ये कि ये एग्जेम्पन आपको तभी मिलेगी जब आपके पास एक से ज्यादा घर नहीं होने चाहिए

सेक्शन ये बोलती है कि अगर आपका कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है जो कि पहले अर्बन एरिया में था इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है अर्बन एरिया में आप क्या कर रहे हैं उस अंडरटेकिंग को ट्रांसफर कर रहे हैं रूरल एरिया में और आप क्या कर रहे हैं यहां पे लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी को बेच रहे हैं और आप रूरल एरिया में लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं तो लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी को आप बेच रहे हैं अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में आप लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं या शिफ्टिंग खर्चा कर रहे हैं करके ठीक है तो उस पर्टिकुलर केस में यहां एक्जेमशन मिल जाएगा भले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ भी हो सकता है बेचना क्या है लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी इन अर्बन एरिया खरीदना क्या है लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी इन रूरल एरिया आपको एक्जेम्पन मिल जाएगा टाइम लिमिट है माइनस वन प्लस थ्री मिस ट्रांसफर की डेट से एक साल पहले या ट्रांसफर की डेट के तीन साल के अंदर अंदर है वो आपको नया वाला लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है तो आपको एग्जाम मिल जाएगा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम लगेगा बाकी जितने भी पॉइंट है वो सेम जैसे वैसे वैसे के करके ठीक है अब एक और चीज समझना हुआ क्या मैंने क्या मैंने बोला कि रिटर्न फाइलिंग की से पहले पहले आपको या तो पैसा सीजीएस में डालना पड़ेगा या ना नया असैट खरीदना पड़ेगा अब इस असेसी ने क्या किया बताया कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यूडेट से पहले पहले पैसा सीजीएस में नहीं डाला ना ही असेट खरीदा उन्होंने असेट खरीदने के लिए एडवांस दे दिया किसी को हमको असेट खरीदना था तो हमने एडवांस दे दिया तो एडवांस दे दिया तो भी क्या अब एक और चीज समझना एक सेक्शन होती है, 54 जीए, 54 जीए ये बोलती है कि अगर आपका अर्बन एरिया में कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग था उस अर्बन एरिया से निकाल के और आप अगर उसको एसी जेड में लेके जाते हो अर्बन एरिया से निकाल के और अगर आप उसको एसी जेड में लेके जाते हो कहां लेके जाते हो एसी जेड में लेके जाते हो तो उस पर्टिकुलर केस में आपको एग्जेम्शन मिल जाएगा देखो उसमें फिफ्टी जी में क्या था अर्बन एरिया से रूरल एरिया में लेके जा रहे थे लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी बेच रहे थे लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे थे यहां पे क्या है अर्बन एरिया से निकाल के और आप एसी जेड में लेके जा रहे हो तो आपको एग्जेम्पन मिल जाएगा जितने भी पॉइंट में थे सेम एज इट इज एक पॉइंट में फर्क है फिफ्टी में आप जो प्लांटेड मशीनरी खरीद रहे थे ना कहां पे रूरल एरिया में वो आपको न्यू प्लांटेड मशीनरी होना चाहिए लेकिन बेटा 54 जीए में जो एसीड में आप प्लांटेड मशीनरी खरीदोगे वो सेकंड हैंड रहेगा तो भी चल जाएगा उसके बाद कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के बारे में हम पढ़ रहे हैं फिफ्टी फोर एच के बारे में ऑलरेडी बीबी वाला ये से रिलेटेड क्वेश्चन है इसको आप ढंग से देख लेना पॉज करके फिफ्टी फोर एफ वाला क्वेश्चन है इसको आप एक सेक्शन सिर्फ आंध्र प्रदेश वाले के लिए और आंध्र प्रदेश भी पूरे आंध्र प्रदेश में नहीं आंध्र प्रदेश में एक एरिया है जिसका नाम है दैट इज अमरावती क्योंकि आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल बनने वाली है अमरावती आपको पता रहेगा आंध्र प्रदेश स्टेट है उसका विघटन हो गया मीन उसको बाइफर गेट कर लिया था एक तेलंगाना और एक दूसरा तुम्हारा आंध्र प्रदेश तो देखो आंध्र प्रदेश का विघटन जो हुआ था वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सेकेंड जून 2014 को हुआ था तो वहां पे क्या हुआ आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल अमरावती डेवलप करने वाले हैं और अमरावती में क्या किया गवर्नमेंट ने कि वहां पे जो भी लैंड थी वो प्लॉट को गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया और उसको एकदम स्मार्ट सिटी बनाएंगे और उसके बाद जो नए वाले प्लॉट रहेंगे ना वो लोगों को दे देंगे दैट इज कॉल लैंड पुलिंग स्कीम करके उन्होंने वहां पर बनाई है लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि अगर मान लो आप इंडिविजुअल और एच या तो इंडिविजुअल हो आपके पास में कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी था एज ऑन सेकेंड जून टू थाउजेंड फोर्टीन को इमूवेबल प्रॉपर्टी था आपने क्या किया उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया अंडर लैंड पुलिंग लैंड पुलिंग स्कीम और आपको गवर्नमेंट क्या देगी लैंड पुलिंग ओनरशिप सर्टिफिकेट देगी तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो इंडिविजुअल एच ने ट्रांस तो उसके पास था गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया अंडर लैंड पुलिंग स्कीम तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन नहीं लगेगा करके ड्यू टू सेक्शन ए अब एक बात समझना आपको लैंड पुलिंग ओनरशिप सर्टिफिकेट मिल गया आपने अगर लैंड पुलिंग ओनरशिप सर्टिफिकेट बेच दिया तो भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा अब एक बात समझना आपने लैंड पुलिंग ओनरशिप सर्टिफिकेट नहीं बेचा अब उसकी जगह आपको उन्होंने डेवलप्ड प्लॉट दिया अमरावती में एक डेवलप्ड करके प्लॉट दे दिया अब डेवलप्ड करके जो प्लॉट दिया वो डेवलप्ड प्लॉट जिस ईयर में आपको मिला उस ईयर के एंड से टू ईयर्स के अंदर अंदर आपने अगर डेवलप्ड प्लॉट बेचा तो भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा और अगर मान लो इयर्स के बाद में बेचा तो कैपिटल गेन लगेगा लेकिन बेटा जब कैपिटल गेन कैलकुलेट करोगे कॉस्ट क्या लोगे तो यहां पे कॉस्ट लेना है जो डेवलप्ड प्लॉट था जिस ईयर में पोजीशन मिला था उस ईयर के एंड से दो साल जहां कंप्लीट होते टू ईयर जहां कंप्लीट हो रहे वहां पर उसका जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू रहेगा वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आपका कॉस्ट ऑफ आप एक्विजिशन बन जाएगा तो देखिए अमरावती में कोई इंडिविजुअल एच है जो कि सेकेंड जून 2014 को इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड करता था उसने अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट को दे दिया गवर्नमेंट ने एलपीओसी दिया कैपिटल गेन नहीं लगेगा आपने एलपीओसी बेचा कैपिटल गेन नहीं लगेगा एलपीओसी के बदले आपको डेवलप्ड प्लॉट मिला जिस ईयर में मिला उस ईयर के एंड से दो साल के अंदर अंदर बेच दिया कैपिटल गेन नहीं लगेगा दो साल के बाद बेचा कैपिटल गेन लगेगा लेकिन दो साल जहां कंप्लीट हो रहे हैं दो साल जहां कंप्लीट हो रहे हैं, वो दो साल जहां कंप्लीट हो रहे हैं, उस डेट को जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी वही तुम्हारा इतनी बार आप पढ़ चुके हो सेक्शन क्या बोलती है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है या तो इक्विटी शेयर पे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे या फिर यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट पे और बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो वन लाख केन लेख तो कोई टैक्स नहीं लगेगा वन लेख के ऊपर वाले पे आपको टेन परसेंट की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा लेकिन कुछ कंडीशन है इक्विटी शेयर के केस में आपको एसटीटी पे करना पड़ेगा सेल के टाइम पे एज वेल एज

जो भी आपका एल टीसी वाला है उसके सामने आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स एज वेल एज एटी सेवन ए का रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलता फर्स्ट टॉपिक में हमने सीखा था अब एक और चीज समझना यहां पे एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि सर एक बात बताइए यहां पे कॉन्सेप्ट आता है कि ये आपको पता रहेगा वन वन टू ए मैंने क्लास में इन डिटेल पूरा दिन लेके मैंने आपको पढ़ाया था

अगर मान लो आपने ये इक्विटी शेयर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का यूनिट या बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट अगर आपने फर्स्ट फेफ 2018 के बाद में खरीदा है तो सिंपल तो सी बात है जो कॉस्ट है वो ले लो करके ठीक है जो कॉस्ट है वो ले लो सेलिंग प्राइस ले लो जो बचेगा वो कैपिटल गेन है सीधा वन में जाएगा इंडेक्सेशन नहीं मिलता लेकिन अगर मान लो आपने ये शेयर्स या यूनिट फर्स्ट फेफ टू से पहले खरीदा हुआ है एंड फर्स्ट अप्रैल 2018 टू थाउजेंड एटीन के बाद फर्स्ट के पहले खरीदा हुआ बजट से पहले खरीदा है तो वहां पे आपको एक ग्रैंडफादरिंग का बेनिफिट मिलता है और ग्रैंडफादरिंग का बेनिफिट कैसे कैसे मिलेगा उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको कैसे निकालना तो आप एक काम करो दो स्टेप प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है पहले स्टेप में जो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वो ले लो दूसरे स्टेप में आप एक काम करो जो एफ एम है एज ऑन थर्टी फर्ट जेन टू थाउजेंड एटीन एंड सेल वैल्यू विच एवर इज लोअर ले लीजिए

2018 को जो हाईएस्ट कोटेशन आया था वो हाईएस्ट कोटेशन आपका एफ हो जाएगा एज ऑन थर्टी फर्स्ट जेन बट मान लो थर्टी फर्स्ट 2018 को ट्रेडिंग ही नहीं हुआ तो उसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हाइएस्ट कोटेशन कितना आया था वो आपका हो जाएगा आपका क्या एफ एम 31 ऑन थर्टी लेकिन जैसे फॉर एन एक्साम्पल मैंने पेटीएम का शेयर खरीदा था टू थाउजेंड एंड नाइन में और अनलिस्टेड कंपनी थी तो उस टाइम पर खरीदा था अब एक बात बताओ आज की डेट में तो लिस्टेड है तो अब उसकी वैल्यू कैसे निकाले थर्टी फर्स्ट जेट टू थाउजेंड एटीन की तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा जो मेरी कॉस्ट थी 17, 18, क्योंकि आप थर्टी फर्स्ट एटीन है उस ईयर थर्टी फर्स्ट का यू गॉट माई पॉइंट चलिए उसके बाद इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का डेफिनेशन है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है अब एक चीज समझता यहां पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आता है मैंने बोला इक्विटी शेयर के केस में आपको परचेज और सेल दोनों टाइम पे एसटीटी पे करना पड़ेगा तभी आपको बेनिफिट मिलेगा वन वन टू अगर आपने परचेज या सेल के टाइम पे एस पे नहीं किया तो वन बेनिफिट नहीं मिलेगा लेकिन परचेज के टाइम पे कुछ एक्सेप्शन है परचेस के टाइम पे कुछ एक्सेप्शन है और पॉइंट नंबर फोर में बताया हुआ है कि बेटा परचेज पे एस पे नहीं किया तो भी चलेगा कौन से केसेस में दो केसेस में पहला अगर आपने परचेज किया था इक्विटी शेयर फर्स्ट अक्टूबर टू से पहले क्योंकि उससे पहले एस टी था ही नहीं और दूसरा अगर आपने फर्स्ट अक्टूबर 2004 के बाद में परचेज किया लेकिन उस ट्रांजैक्शन पे एसटीटी लगता ही नहीं है जैसे मान लो आईपीओ लगाते हो, तो आईपीओ के केस में एसटीटी नहीं लगता लेकिन आपको आईपीओ में एसटीटी तो लगा नहीं परचेज के टाइम पे फिर आपने सेल के टाइम पे एसटीटी पे किया क्या आपको वन वन टू का बेनिफिट मिलेगा बिल्कुल मिलेगा लेकिन गाइस तीन केसेस ऐसे हैं जहां आपको वन वन टू का बेनिफिट नहीं मिलेगा आप इसको नेगेटिव लिस्ट ऐसे याद रखो तीन केसेस ऐसे हैं जहां पे आपको वन वन टू का बेनिफिट नहीं मिलेगा पहला तो अगर मान लो कोई कंपनी ऐसी है जो पहले लिस्टेड थी और वो अनलिस्टेड हो गई मिस वो मान लो उसकी डीलिस्ट हो गई तो डीलिस्टिंग हुई जिस दिन से और जिस दिन वापस रीलिस्टिंग हुई उसके पहले दिन तक मीन्स आपके डीलिस्टिंग के पीरियड में आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो बेटा उस पर वन वन टू का बेनिफिट नहीं मिलेगा दूसरा अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसके एग्जिस्टिंग लिस्टेड इक्विटी शेयर है जिसके शेयर ऑलरेडी लिस्टेड है ठीक है और वो इक्विटी शेयर नॉट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है और आप क्या करते हो उस कंपनी के शेयर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में खरीद ले रहे हो तो उसपे वन वन टू का बेनिफिट नहीं मिलेगा बट उसमें भी एक्सेप्शन है कि अगर ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एनसीएलटी से भी आरबीआई ने अप्रूव किया है तो चलेगा या किसी नॉन रेजिडेंट ने एफडीआई गाइडलाइंस के हिसाब से खरीदा है तो चलेगा या फिर इन्वेस्टमेंट फंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ने खरीदा है तो चलेगा अब एक और चीज समझना एक और जगह आपको का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर कोई कंपनी है जिसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्टेड इक्विटी शेयर है के लिए रिलायंस रिलायंस है रिलाएंस के शेयर ऑलरेडी लिस्टेड है बट आप क्या करते हो उसके शेयर है वो मान लो आउट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज खरीदते हो मिस आप क्या करते हो ऑफ द मार्केट शेयर खरीदते हो कोई लिस्टेड कंपनी है उसके शेयर अगर आप ऑफ द मार्केट खरीदते हो तो उसको बेचने पर भी आपको वन वन टू ए का बेनिफिट नहीं मिलेगा लेकिन उसके भी एक्सेप्शन है पहला अगर मान लो किसी कंपनी के शेयर इशू करते टाइम आपने खरीदे जैसे आईपीओ लगाए तो उस पर बेनिफिट मिलेगा या वो एनसीएलटी एन एन सुप्रीम कोर्ट आरबीआई ने अप्रूव किया था तो मिलेगा या ई e में खरीदते हो तो चलेगा नॉन रेजिडेंट ने एफ गाइडलाइन से खरीदा तो चलेगा गवर्नमेंट से एक्वायर करते हो तो चलेगा या फिर मान लो गिफ्ट वगैरह में आप स्लम सेल वगैरह में खरीदते हो तो चलेगा या इन्वेस्टमेंट फंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कोई खरीदता है तो चलेगा यू गॉट माई पॉइंट नॉट यस चलिए अब एक और सेक्शन आती है त्रिपल वन त्रिपल वन ये बोलती है कि अगर

लेकिन आपको है, 87A का रिबेट 87A ए का रिबेट 112A ए के सामने नहीं मिलता यहां शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल बने के सामने आपको 87A ए का रिबेट मिल जाएगा अब एक बात समझना इसको छोड़ के अगर और कोई कैपिटल गेन है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो स्लैब रेट से टैक्सेबल हो जाएगा उसके बाद में एक चीज समझना जो भी तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ट्वेंटी परसेंट वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है ट्रिपल वाला और एल टी सी जी वन वन टू ए वाला क्या इसके सामने हम बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट ले सकते हैं एक बात बताओ देखो अगर कोई इंडिविजुअल और एच यू एफ है और वो रेजिडेंट है और उसका जो बैलेंस इनकम है ना वो बेसिक एक्जामिशन से कम है बैलेंस इनकम मतलब दूसरा इनकम बेसिक एक्जन से कम है तो जो अनएक्स्टेड बेसिक एक्जामेशन है ना वो अनएक्जॉस्टेड बेसिक एक्जिमेशन का बेनिफिट आप एलटीसीजी टी सी जी वन वन टू एस टी सी जी ट्रिपल वन ए या एल टीसीजी वन वन टू ए के सामने ले सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है अब एक और चीज समझना अगर कैसे पता चलेगा कि सर हम कोई भी शेयर को हेल्ड कर रहे हैं वो कैपिटल है है या, या स्टॉक इन ट्रेड ये कैसे पता चलेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा. क्योंकि कैपिटल है तो कैपिटल गेन में जाएगा अगर मान लो स्टॉक इन ट्रेड है तो पीजीबीपी में जाएगा कैसे पता चलेगा तो यहां पर कुछ फिल्टर दे रखे फिल्टर क्या बोलते हैं आपको देखना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका ट्रीटमेंट क्या है आपने अगर इन्वेस्टमेंट में शो किया है तो कैपिटल गेन में जाएगा पीएन में शो किया है तो आपके पीजीबीपी में जाएगा क्वांटम ऑफ परचेज और सेल्स कितना अगर ज्यादा क्वांटम है तो पीजीबीपी में जाएगा कम है तो कैपिटल गेन में जाएगा होल्ड होल्डिंग पीरियड अगर ज्यादा है तो कैपिटल गेन में जाएगा कम है तो स्टॉक में जाएगा अगर आपने डिविडेंड अर्न करने के लिए होल्ड किया है तो उस पर्टिकुलर केस में आपके कैपिटल गेन में जाएगा अदरवाइज है वो आपके है वो कहां जाएगा पीजीबीपी में जाएगा और और देखना पड़ेगा आपके खुद का फंड लगाया तो कैपिटल गेन में जाएगा लोन लेके आपने लगाया तो पीजीबीपी में जाएगा लेकिन गाइस मैं बताऊं इस फिल्टर से तय करना बहुत बार डिफिकल्ट हो जाता है तो यहां पे अरुण जेटली जी ने क्या किया 2016 में एक सर्कुलर के थ्रू बहुत ही बढ़िया दो फिल्टर दिए हैं बट ये दोनों फिल्टर है वो सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटी के केस में लगेगा दो फिल्टर क्या है समझना अरुण जेटली जी बोलते हैं कि अगर कोई लिस्टेड सिक्योरिटी है इर ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर एस खुद ही बोलता है यह स्टॉक इन ट्रेड है डिपार्टमेंट तो उंगली नहीं करेगा डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट नहीं करेगा डिपार्टमेंट है वो रेस्पेक्ट करेगा बोलेगा आप ही स्टॉक इन ट्रेड बता रहे हो चलो कोई बात नहीं स्टॉक इन ट्रेड है मजा आ जाएगा क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड बताएंगे पीजीबीपी हेड में इनकम जाएगी और पीजीबीपी पीजीबीपी हेड में इनकम जाएगी मतलब टैक्स रेट रहता है कैपिटल गेन हेड में टैक्स रेट है वो है तो अगर मान लो एसएससी खुद ही बताता है बतायाड ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग कि ये मेरा स्टॉक इन ट्रेड है तो डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट नहीं करेगा डिपार्टमेंट उस चीज को हाथ जोड़ के मान लेगा लेकिन अब एक चीज समझना दूसरा कि अगर कोई भी ऐसा लिस्टेड सिक्योरिटी है जिसका पीरियड ऑफ होल्डिंग वन ईयर से ज्यादा है ऐसा लिस्टेड सिक्योरिटी है जिसका पीरियड ऑफ होल्डिंग वन ईयर से ज्यादा है और एस उसको अगर कैपिटल असेट बता देता है तो डिपार्टमेंट उसको ऑब्जेक्ट नहीं करेगा डिपार्टमेंट उसकी भी रेस्पेक्ट करेगा और उसको मान लेगा लेकिन अगर आपने ये व्यू लिया है कि एक साल से ज्यादा की लिस्टेड सिक्योरिटी को आप कैपिटल असेट बताओगे तो हर साल उसको फॉलो करना पड़ेगा फिर जो है आप उसको चेंज नहीं कर सकते

फी फाइव फिफ्टी फाइव ए क्या बोलती है रेफरेंस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर क्या वैल्यूएशन ऑफिसर को आपका केस रेफर किया जा सकता है क्या एओ केस को रेफर कर सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर को देखो अपन ने फिफ्टी सी में पढ़ा था वहां तो कर ही सकता है लेकिन एक बात बताओ अदर जो एफ है जैसे फोर्टी फाइव टू में भी एफ एम बी आती है फोर्टी फाइव फोर में भी एफ एम बी आती है नाइन बी में भी एफ एम बी आती है तो एफ एम बी से अगर असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है तो आपका केस क्या वैल्यूशन ऑफिसर को ट्रांसफर हो सकता है आंसर इज यस कौन से केसेस में हो सकता है तो ये सेक्शन बोलती है कि अगर मान लो आपने एफ क्लेम की थी वो एज पर रजिस्टर्ड वैल्यूर की ट्रांसफर तो कर सकता है और दूसरा मान लो आपने रजिस्टर्ड वैल्यूर का रिपोर्ट नहीं लाया आपने खुद के हिसाब से FMV निकाली थी तो आपने खुद के हिसाब से एफ निकाली थी लेकिन एओ का एफ है वो आपकी एफ से ज्यादा है कितना ज्यादा है एओ का एफ पता है 15% परसेंट जो आपने वैल्यू क्लेम किया उसके 15% परसेंट या 25,000 इन दोनों में से जो लोअर आएगा इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट आएगा उससे ज्यादा है एओ की ओपिनियन के हिसाब से एफएमबी आपकी एफएमबी से तो एओ आपका केस वैल्यूशन ऑफिसर को ट्रांसफर कर सकता है और लास्ट पॉइंट में तो बोला है कि एओ को अगर तो भी लगता है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही बट तो भी अगर उसको नेचर को देखते हुए असट के नेचर को देखते हुए अदर रिलेवेंट सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए अगर एओ को लगता है तो उस पर्टिकुलर केस में आपका केस है वो वैल्यूशन ऑफिसर को एओ ट्रांसफर कर सकता है यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यू अंडरस्टूड माई पॉइंट और नॉट यस सर वी हैव अंडरस्टूड योर पॉइंट वी गॉट योर पॉइंट डन सो दिस इज द कंप्लीस ऑफ योर कैपिटल गिन टॉपिक भाई कितना टाइम लगा आपको पता है इसमें बहुत एफर्ट लगता है मैं पूरे दिन में जितना एक पूरे दिन की एनर्जी होती है ना वो एक रिविजन लेक्चर अगर इतने बड़े टॉपिक का है तो उसको रिवाइज करने में लग जाती है तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हम हमारा हंड्रेड परसेंट डाल रहे हैं अब रिक्वेस्ट है आप अपना हंड्रेड परसेंट डाल रहे हैं या नहीं आपने जो आज का दिन जो स्पेंड किया है क्या वो प्रोडक्टिव था या नहीं आप जो सोचे थे कल सोने से पहले कि कल का दिन बहुत प्रोडक्टिव करेंगे क्या उतना किया है या नहीं या आज जो सोच रहे हो क्या वो कल इंप्लीमेंट करोगे या नहीं बिकॉज एक बात बताओ, अपने हर करना जरूरी है या नहीं अगर आप कल एक परसेंट भी बेटर जीने की कोशिश करते हैं और बेटर जी लेते हैं तो मैं बताऊं आपने जो सोचा है वो आप पाने वाले हैं एंड गाइस सीए बनने के बाद हम लोग तो मिलने वाले हैं हम पार्टी करने वाले हैं यह आपके लिए एक टास्क रहा एक मोटिवेशन रहा क्या सीए बनने के बाद हम लोग मिलेंगे मुंबई में मुंबई में पार्टी आपके लिए सेलिब्रेट करवाएंगे मस्त वाला हम लोग सब सेलिब्रेट करेंगे जो आपकी सक्सेस है उसको आपने देखा होगा इस बार भी हमारा जो फेलिसिटेशन इवेंट था उसमें 90 प्लस तो रैंकर्स थे उसके साथ साथ में हमने मुंबई और आसपास के जो भी नॉन रैंकर्स थे जो क्वालिफाई हुए सबको हमने बुलाया था बहुत अच्छे स्पीकर थे आपके लिए मोटिवेशन है जब आप ऐसे वीडियो देखते हो छोटे मोटे तो आपको ये देख के और मोटिवेट होना है कि नहीं यार मेरे लिए टारगेट है अगली बार मुझे वो जाना है बिकॉज क्या होता है ना आपके लिए टारगेट होना चाहिए और यह टारगेट अचीव करना है उसके लिए जस्ट पोर्टी और हंड्रेड आप अपना परसेंट दीजिए करके ठीक है और एक बात बताओ देखो सी में जब आप यहां तक आई चुके हो तो एक बार कंप्लीट कर लो करके ठीक है कंप्लीट कर लो और जब आप इस एग्जाम का फॉर्म भर ही चुके हो जो आपके एग्जाम के लिए है तो भैया फिर आपको पीछे देखना नहीं है जब तक एग्जाम नहीं होता नहीं देखना ये समझना पढ़ाई कर लो और देखो जो लास्ट अटेम है अगर आप अपना हंड्रेड परसेंट देते हैं तो यू गॉट नॉट यस अपने आपसे बोलिए लास्ट अटैम्प हुआ तो ठीक है नहीं हुआ तो फिर छोड़ देंगे करके ठीक है ऐसा मान के और ये एग्जाम आप दे दीजिए करके ठीक है चलिए गाय आज के लिए इतना बहुत है अगले लेक्चर में हम मिलेंगे लेकिन आप इस एफर्ट जो हमने लगाए हैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने में आपके सामने ये लेक्चर को रखने में आप इसकी रेस्पेक्ट करेंगे और मैं बताऊं हमारा रिजल्ट जो है हमारा रिजल्ट ये है कि आप पास होते हैं आप लोग जब पास हो जाते हैं आप सीए बन जाते हो मेरे को पता है सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब बच्चे सी बन जाते हैं जब मिलने आते बहुत अच्छा लगता है करके ठीक है और मैं चाहता हूँ आप फटाफट इस अटैम्प में इसको कंप्लीट करें और उसके बाद आगे जो कॉरपोरेट लाइफ है कोई है वो बिजनेस करना चाहता है कोई स्टार्टअप करना चाहता है कोई एजुकेशन में आना चाहता है पढ़ाना चाहता है करके कोई प्रैक्टिस करना चाहता है जो करना चाहो वो करना और मैं बताऊं जो चीज आप करो उसमें एटलीस्ट आप परफेक्ट होने चाहिए ये हमेशा ध्यान रखना आगे लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है थैंक्स अलॉट पीपल दैट्स एन अ फोर फ्रॉम माई साइड